अभी आपकी जो भी क्लासें ली जा रही हैं, ये केवल एक तरह से आप कहिए कि रिवीजन के पॉइंट व्यू से ली जा रही हैं। कहने का मतलब सीधा कि आप लोग जब पेपर आपके पास होता है, नजदीक होता है और आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो या तो आप लोग वो नोट्स पढ़ते हैं जो 100 100 वर्ड नोट्स आप बनाते हैं। और याद रखिए, कई लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि पूरी किताब की किताब उतार देते हैं। तो इससे अच्छा है भाई पूरी किताब ही पढ़िए ना। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि आप एक पूरी किताब, यानी कि कहने का मतलब आप सोचिए 1 महीने की किताब है, अगर पढ़ने में 1 महीना लगता है तो उसे ऐसा करिए कि एक दिन में आप खत्म कर सकें, उसे कहते हैं नोट्स। आप लोग जैसे ज्योग्राफी है आपका, तो फिर चाहे भारत का भूगोल हो या फिर विश्व का भूगोल हो, 4 से 5 घंटे में एक कवर हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाए। इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे नोट्स होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा घटना चक्र जब ई दृष्टि निकालती है ना, करंट बुकलेट निकालती है, वही बुकलेट है। तो इसमें लगता है मुझे कि क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं या तो दिए गए हैं जो पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, या पूछने की पूरी संभावना होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भूगोल, भारत का भूगोल की एक तरह से आपका ये निचोड़ है, ठीक है। और ये आपका प्रीलिम्स में यूपीएससी पर, सिविल सर्विस या फिर एमबीबीएससी, यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई भी हो आपका, उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है। और आप देखेंगे कि वनडे एग्जाम कहने का मतलब है एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये मटेरियल काफी है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें आपका विज्ञान बता चुका था, पर्यावरण पारिस्थितिकी खत्म कर चुका, विज्ञान में आपका देखा था हम लोगों ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, भौतिकी, इन तीनों को देखा था। और आपका कंप्यूटर भी वही देख लिया था, क्योंकि देखता हूँ कंप्यूटर से भी कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। साइंस टेक से भी, उसमें भी फिजिक्स वाली क्लास में उसे भी कवर करवा दिया था। इकोनॉमी भी है यानी कि अर्थव्यवस्था भी हम लोग कवर कर चुके थे, संविधान भी आपका कवर कर चुके हैं, और जो विश्व का भूगोल है उसे भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। विश्व के भूगोल के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो हम लोगों ने एक बुक्स कवर की थी ना, जिसमें आपका पूरा मैप्स का सहारा लेके पढ़ाया गया था, उसे जाकर देख लें आप लोग, मानचित्र के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि 70 से 75% देखेंगे कि उसे कवर हो सकता है, ठीक है। और आप देखते हैं कि जब हम मैप्स का सहारा लेकर पढ़ते हैं तो वो भूलते भी नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं, उसे छोड़कर आप लोग पहले उसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसे पढ़ सकते हैं। आज हमें मेन बात करनी है भारत के भूगोल की, और इससे देखते हैं आप लोग क्वेश्चंस के हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद इतिहास बचता है तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोग भारत की एक बार स्थिति देख लेते हैं मैप्स में, क्योंकि पूरा भारत पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, एशिया में हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। आज के अगर इसके पड़ोसियों की बात करें, हमारे पड़ोसी ये लक्षद्वीप सागर हो गया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है। आप जानते हैं हिंद महासागर का एक तरह से नाम ही हमारे हिंद, हिंद मतलब भारत, ठीक है। आपके पड़ोसी हैं देखिए श्रीलंका, ये है नीचे क्या है श्रीलंका, ये पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर आपका चीन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है आपकी पीओके वाले, और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है, ठीक है। उसके बाद अब राज्यों की बात करें तो आप लोगों को राज्यों को क्रम में याद रख लेना है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की अपने राज्यों से लगती है भारत में, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की, कई बार पूछ लेता है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो अपने अपने राज्य के बारे में कुछ ज्यादा ही ध्यान देकर याद रखना है, ठीक है। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग देखते रहिए। जम्मू कश्मीर को आप जानते हैं कि 2019 में यहाँ से 370 खत्म कर दी गई है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे विधानसभा होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, तो यहाँ आपका जम्मू कश्मीर और यहाँ लद्दाख, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तराखंड को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है, ये नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद आप देखेंगे गुजरात के बाद बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को आप जानते हैं हृदय प्रदेश भी कहते हैं आप लोग, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश ऊपर आपका, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे गुजरात, देख लिया महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद आप
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, ये आपका तमिलनाडु लगा हुआ है, केरल, ठीक है, हो गया यहाँ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ देख लिया, बिहार, सिक्किम है आपका, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, ये सभी आपके एक तरह से राज्य हैं, इन्हीं के बारे में आज देखना है। इन्हें क्रम से याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और सरल भी हैं, कोई ज्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान, एक क्षेत्रफल देख लेते हैं भारत के बारे में। सही कथन है, यह स्थल मंडल के कुछ कुल क्षेत्रफल का 2.4 यानी कि 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। कहने का मतलब है कि जो स्थल भाग है पूरा टोटल, यानी कि 100% मान लीजिए आप लोग स्थल भाग, तो उसमें से हमारा भारत कितने पर है, 2.4% पर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आप कहते हैं ना कि नैनी से गुजरती है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वें नंबर पर है, जनसंख्या के नंबर मामले में 2नं नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या देखेंगे आप लोग तो 17.5% है, यानी कि आप सोचिए कि टोटल जनसंख्या में से 100%, यानी कि विश्व में आपकी जनसंख्या निवास कर रही है, तो उसमें से 17.5% आपकी देखेंगे भारत में निवास करती है। आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। भारतवर्ष में अगर गांव की संख्या की बात करें तो आप देखेंगे 6,40,930 जनगणना 2011 के अनुसार। अब 2021 की जो जनगणना आएगी तब तक आपके आंकड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, उसके बाद बदल जाएंगे, ठीक है। अक्षांशीय अगर विस्तार की बात करें तो ये देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यानी कि कहने का मतलब है सीधा सा कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू कश्मीर, यहां आप देखेंगे कन्याकुमारी। ठीक है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, आप देखते हैं कर्क रेखा यहां से गुजरती है, कहां से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, आप झारखंड, बिहार, एक मिनट रुकिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने, कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कई बार क्वेश्चंस भी बन चुका है आपका, क्या आप पूछ लेता है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लिए गए हैं। तो आपको बताऊं कि एक मिनट, मैथ्स में सहारा लेकर अगर हम लोग बात कर लें तो याद भी रहेगा और आपको भूलेगा भी नहीं। ये आप सबसे चलिए पहले यहां से चलिए पूर्व से, पश्चिम से, सॉरी माफ करिए, गुजरात, उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान, ये राजस्थान ऊपर लगा हुआ है, फिर मध्य प्रदेश देखेंगे आप लोग, उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। झारखंड जब बिहार का भाग था तब आप देखते थे कि बिहार से भी गुजरती थी, लेकिन झारखंड अलग हो चुका है तो बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से। उसके बाद देखेंगे आप लोग पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, याद रखिए पूर्वी भारत में त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये आपके 8 राज्य, कितने, 8 राज्य, इन्हीं से गुजर होकर गुजरती है, ठीक है, ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछ लेता है इस राज्य से नहीं गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से भी, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर। भारत एवं
कर्क रेखा की बात करें तो हम लोग कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगरतला गांधी नगर जबलपुर उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए गए हैं। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा आपके निकट है, कोलकाता देखने को मिलेगा। भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने का वाला अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे आप लोग कर्क रेखा कहते हैं, ये आपका उत्तर दक्षिण में बांट देता है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? मणिपुर। याद रखिए, लेकिन मणिपुर से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, एक बात हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर में आप देखेंगे ना तो उत्तर में आपको मणिपुर ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है, मिजोरम से। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि मानक समय रेखा जब भारतीय है, मानक समय रेखा समय की यमोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान सुबह 6 बजे बजता है, तो इस स्थान की अवस्थिति यानी कि जिस यमोत्तर पर है वह क्या होगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 172 डिग्री। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग की समय में कितने घंटे का अंतराल होता है, तो ये आपको 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलेगा। कितने? 2 घंटे का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिए, जो मानक समय रेखा है ना आपकी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर आपको देखने को मिलेगी गुजरती हुई। ये कौन कौन से हैं 5 राज्य, तो चलिए मैप्स में देख लेते हैं एक बार, क्या है कि मैप्स की सहारा लेकर याद भी बना रहेगा आपको। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, देखिए यहां उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप जाएंगे मध्य प्रदेश पर, यह है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद देखेंगे आप लोग छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा से भी जाती है और आंध्र प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से आपकी मानक समय रेखा गुजरती है आपकी, ठीक है, 82 डिग्री 5, 82.5 डिग्री पूर्वी, इसे ही मानक समय रेखा कहते हैं आप लोग। सत्य कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, बिल्कुल सही है। चेन्नई की तुलना में बंगलोर की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है, ये भी बिल्कुल सही है। रीवा सागर उज्जैन और होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय रेखा देशांतर के निकटतम शहर है रीवा, आप जानते हैं रीवा के पास से ही गुजरती है लगभग, ठीक है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग पर स्थानीय समय होगा 10:38। याद रखिए क्या होता है कि 1 डिग्री आप अगर बढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब आप 4 मिनट बढ़ रहे हैं, अगर 15 डिग्री आप बढ़ते हैं अक्षांश पर तो आप देखेंगे कि आप कितने, कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि 1 घंटे का समय आगे बढ़ जाएगा, अगर पीछे जा रहे हैं आप लोग तो 1 घंटे पीछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका रीवा वाला एक बार एमपीपीएससी में 1-2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और एमपी में कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यदि भारतीय मानक समय समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर व स्थानीय समय होगा 14 दशमलव, यानी कि 14 यानी कि 2 बजकर शाम का या दोपहर के बाद 2:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, गुजरती है कहां से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, जैसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा कहलाती है 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है, ये 5.5 घंटे का, क्या 5 साढ़े 5 घंटे का आप अंतर देखेंगे, ठीक है, दोनों के बीच, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य GMT के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्राप्त होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होता है लगभग 7 बजे, ठीक है। यानी कि आप कहिए कि जब आप लोग अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि 2 घंटे कम रहेगा, और गुजरात में 2 घंटे आगे रहेंगे। इसलिए आप देखते हैं जब भी चुनाव होता है तो एक नई मानक रेखा निर्धारित करने की बात की जाती है, पूर्वी भारत में इस तरह की मांग उठती रहती है आपकी। अगर आपसे पूछे कि दूरस्थ बिंदु के बारे में, तो भारत के दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है, इंदिरा पॉइंट पर है भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, भारत के राज्यों का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य अंगी करता है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ये गोवा, गौर मुता, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ, और ये अरुणाचल प्रदेश सबसे आपका पूर्वी में है। और याद रखिए ये तो हमारा स्थलीय भाग हो गया, लेकिन अंडमान निकोबार तक हमारा पूरा भाग गया, ठीक है। तो स्थलीय भाग यहाँ तक है, लेकिन जलीय भाग आप लोग जानते हैं, ये भी हमारा यहाँ जलीय भाग है, ठीक है। सीमावर्ती अगर हम देशों की बात करें तो आप देखेंगे असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, कौन सा, असम और भूटान। देखिए असम ये है, तो ये आपका बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, भूटान से भी लगा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, क्या पूछ लेते हैं कि वो कौन सा राज्य 3 राज्यों 3 देशों की सीमा से लगता है, तो आप देखेंगे सिक्किम भूटान से भी लगता है, आप देखेंगे ये नेपाल से भी लगती है इसकी सीमा, और आप देखेंगे चाइना से भी इसकी सीमा लगती है। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे एक अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से घेरे हुए, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के, देखिए तीनों तरफ से घिरी हुई है एक तरह से, ठीक है। पश्चिम बंगाल देखेंगे भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्य में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो आप देखेंगे मणिपुर की नहीं लगती है, इसकी मणिपुर की नहीं लगती है। यहाँ देखिए यह है बांग्लादेश, त्रिपुरा, मणिपुर दूर है, मिजोरम की लगती है, ठीक है। उसके बाद मेघालय, और यहाँ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्यों की बात करें तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य आपके बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमारी किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है तो बांग्लादेश से, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य लगते हैं आपके बांग्लादेश से। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है, मेघालय की नहीं लगती है, सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है और पश्चिम बंगाल की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, यह है अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये सब आपको मैप्स का अगर आप लोग उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर याद भी हो जाएंगे और आपका क्वेश्चंस भी गलत नहीं होगा। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये आप देखेंगे ना, ये है आपका पड़ोसी पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी राज्यों की एक तरह से सीमा लगती है नेपाल से, आपका पड़ोसी है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड आप देखेंगे बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ है नागालैंड, कहाँ से बांग्लादेश से सीमा बनाएगा, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा, ठीक है। डूरंड लाइन भारत की सीमा रेखा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से, लेकिन याद रखिए जब से हमारे हाथ से पाकिस्तान चला गया है तो ये सीमा आपकी पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती है, और काश ऐसा हो जाए आगे चल के कि पाकिस्तान आपका हिस्सा बन जाए तो हो सकता है कि हमारी सीमा पर से लगने लगे, ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के उदाहरण है पर्वतीय सीमा रेखा। भारत चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करता
करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। याद रखिए अंग्रेजों के समय खींची गई थी। तो कहा जाता है कि चाइना इस बात को नहीं मानता है, इस रेखा को नहीं मानता है, वो कहता है कि अंग्रेजों के समय खींची गई थी। इसी को लेकर विवाद भी चलता रहता है, ठीक। और ये समझौता एक तरह से आप कहिए तिब्बत के साथ था। और आप जानते हैं तिब्बत को अब किसने हड़प लिया है? ये आपके चाइना ने हड़प लिया है। तब से विवाद बना हुआ है। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू द्वार। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपका। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करती है। तो मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं पाक देखकर। तो आपको नहीं लगाना है, आपको श्रीलंका और भारत लगाना है। आप अगर स्थिति की बात करें तो यहां देखेंगे आप लोग, ये हमारा प्यारा भारत और ये है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। ये आप देखेंगे रामेश्वरम है, समझ रहे हैं, एक कन्याकुमारी है आपका, यही देखने को मिलेगी आपकी। पाक जलडमरू ये श्रीलंका का है, जाफना कई बार चर्चा में भी आना रहता है, ठीक है। नेपाल भूटान चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश से घिरा घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। अब भौतिक विभाजन की बात कर लें अगर हम लोग, तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश भारत से उपबंद पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर। उत्तर की ओर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। याद रखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड माना जाता है, किसका? गोंडवाना लैंड का। भारतीय विभाजित है चार प्राकृतिक देशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। कहां? तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव होता है। देश के अधिकांश भाग में आप देखेंगे साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। आप कहिए कई फायदे भी हैं हमारे हिमालय पर्वत श्रेणियों की। भारत में भू आकार की संरचना के संबंध में सही है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्षिण पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की संरचना एक संभिन्ती में हुई है, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है भूमि के उद्धान एवं निर्गमन के कारण, ठीक है। ये भी सही सुन लेते हैं आपकी। दक्कन टैप, क्रेटिशियस आदिनिवतन, पश्चिमी घाट, उत्तर निवतन, अरावली, प्री कैम्बियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ नीचे अत्यंत नूतन। आप देखिए ये आपकी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों आपकी एमपी से निकलती हैं और अब किस खाड़ी में गिरती हैं? खंबात खाड़ी। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा भी आप लोग कहते हैं। एफएओ द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अगर बात करें उत्तर का परिवर्तीय क्षेत्र, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, ये भी सही है। आप देखेंगे बरसात में इसमें पानी बना रहता है वर्षा के कारण। उसके बाद देखेंगे गर्मियों में आप देखेंगे कि क्या होता है कि इसकी जो बर्फ जमी रहती है वो पिघलने लगती है तो उससे पानी चलने लगता है, एक तरह से 12 महीने बहती रहती है। ए आर दोनों आपके सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए कारण आर, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही पुष्टि भी कर रहा है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है बेहद हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय श्रेणी के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। क्या? भावर। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है हिमालय की। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उन क्लासों को जरूर देख लेना जो मैप्स का पूरा, उसमें भारत को भी सम्मिलित किया गया है। तो उससे मुझे लगता है कि उसे पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद इन्हें आप लोग
उसे विस्तार से पढ़ लीजिए, मैंने एक तरह से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रख सकते हैं, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक प्लास्टीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य देखने को मिलेगी। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है एक गिरिपर्वत की उपस्थिति का, गिरिपर्वत की उपस्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड भी है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश भी आपका हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, युग घुमाव वाली नदी मार्ग और समानांतर पर्वत श्रेणियां भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान ढाल प्रवणता, ये सभी एक तरह से साक्ष्य हैं इसके। इसे आप लोग देख लीजिए, नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए, 1, 2, 3, 4 में लद्दाख, फिर आप देखेंगे माफ करिएगा 1 मिनट, फ्रंट में दिक्कत हो जाती है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, ये आपको देखने को मिलेगी काराकोरम, उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगी लद्दाख, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगी जास्कर, उसके बाद आपको पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, ये क्रम से ऊपर से नीचे दी गई है। ठीक है, लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य पश्चिमी भाग में। हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक की। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गौडबाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है ये धौलाधर, उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद आप देखेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर उसके बाद देखेंगे लद्दाख श्रेणी और काराकोरम। यानी कि कहने का मतलब है कि इस तरह से आप बढ़ेंगे, पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण में, तो आप देखेंगे पहले आप देखेंगे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप देख सकते हैं। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधीरा। ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम होता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ये सभी। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी हिमालय की ये भाग। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, यानी कि नहीं जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी, विंध्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य देखने को आपको मिलेगी। अक्साई चीन का भाग लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, यहाँ आप देखते हैं अक्साई चीन में हमेशा लद्दाख वाले हिस्से में झड़प भी होती रहती है भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बीच। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई आप देखेंगे 8,850 मीटर देखने को मिलेगी और कई जगह आपको देखने को मिलेगी 8,848 मीटर भी देखने को मिल जाती है। हिमाचल का पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, किसका, मध्य हिमालय का। ठीक है, अगर आपसे पूछे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछे, तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला कौन सी है, अरावली, और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित हैं राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। ये हिमालय अभी बच्चा है, समझ रहे हैं, अरावली एक तरह से बूढ़े हो चुके हैं अभी, इनमें तो आप देख रहे हैं कि उद्धार होने वाला है, ऊंचाई बढ़ेगी हिमालय में। रेजी ड्यूल ड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुड़ी, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है।
तो दक्षिण भारत की अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। उत्तर से शुरू करते हो दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नावलाई पहाड़ियां। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियां। क्या? नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वत से पर्वतमाला स्थित है केरल कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया था? रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, औषधि पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है आपको देखने को मिलेगी अजंता पर्वत श्रेणी। ये महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेगी केवल। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री के नाम से। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है सतमाला पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां। कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं देखने को मिलेगा केरल और तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियां अवस्थित हैं तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद श्रेणी और मांडव पहाड़ियां तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव पहाड़ियां आपको महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलती है। बाकी बालाघाट श्रेणी और हरिश्चंद श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पहाड़ियां हो चुकी हैं इनके क्षेत्र। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगी। महादेव पहाड़ियां भारत भाग हैं किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियां भाग हैं पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत की। ठीक है, पर्वत चोटियों की अगर हम लोग बात करें क्योंकि इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते आए। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी बछेंद्री पाल। या इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में बात कर रहा हूं, जिंको जोंको ताबे। दो बार माउंट एवरेस्ट का पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। ये महिला थी, याद रखिए इनका नाम थोड़ा मेल टाइप का है यानी कि पुरुषों की तरह, लेकिन इनका एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि पेटेंट करा लिया है किसी ने नाम का। ठीक है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी केटू गोडमेन ऑस्टिन। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल और सिक्किम में। नेपाल और सिक्किम में नंदा देवी चोटी कहाँ देखने को मिलेगी? गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर यह उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी अवस्थित है चोटी राजस्थान में देखने को मिलेगी। अरावली का उच्चतम शिखर कहाँ देखने को मिलेगा? गुरु शिखर है। अरावली जो है इसका उच्चतम शिखर कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो गोसाई धान नहीं है, थान नहीं है। बाकी आप देखें कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत ये भारत में देखने को मिलेंगे। सही सुमेलित है आपके। माउंट आबू ये अरावली पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। कोडाई कनाल ये पलनी पहाड़ियों में। ओटक मठ ये नीलगिरी पहाड़ियों में। शिमला धौलापुर श्रेणी में। ठीक है, अगर आपसे घाटियों के बारे में पूछे तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन सी? ये धौलाधर देखने को मिलेगी और पीर पंजाल देखने को मिलेगी। इसके बीच आपको देखने को मिलेगी कुल्लू घाटी। नैलान घाटी स्थित है आपकी उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में। अगर आपसे पूछे कि मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जुक्कू घाटी
ये नागालैंड में देखने को मिलेगी, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, यूथांग घाटी ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार बन चुके हैं कि सही सम्मिलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका क्रम बदल देंगे और लगाने के लिए आ जाएगा क्रम से, तो अच्छे से याद रख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर सही चुनना है, मौन घाटी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट, पत्थर डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, बिल्कुल सही है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है, यह भी बिल्कुल कथन सही है आपका। ये दर्रे हो गए, सेला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, से ला दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, भोरघाट अवस्थित है महाराष्ट्र में, कहाँ है महाराष्ट्र में, लिपू लेक दर्रा स्थित है उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से, एक कई बार पूछ लेता है लेह जाने का कहाँ से रास्ता है, जोजिला दर्रे से, नाथुला दर्रा कहाँ है सिक्किम में, से ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, भोरघाट महाराष्ट्र, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड, ले जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से है और नाथुला दर्रा सिक्किम में। 2006 के लगभग मध्य भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रे को। पहाड़ी हो गई दर्रे और राज्य हो गए, माना ये उत्तराखंड, जोजिला जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति ये उत्तराखंड में। सूची एक सूची दो, बोमला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। रोहितांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको, माना दर्रा उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, पर्वतीय दर्रा का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सिपकिला लिपू लेक और नाथुला बोमडिला। हिमरेखा एवं हिमनद, हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में, सबसे बड़ा हिमनद आपको देखने को मिलेगा सियाचिन, चौरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक, उत्तराखंड के कुमायू क्षेत्र में अवस्थित हिमनद देखने को मिलेगा मिलाव हिमनद, ठीक है। अगर पठार की पूछे आपसे तो भारत के दक्षिण के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावी लावा सैलों का निर्माण हुआ है क्रेटेशियस युग में, मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड, क्या है प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पहले जो एक महाकल्प में, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला स्थित है, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिक के कारण छोटा नागपुर पठार एक अगंभीर है। नीचे दिए गए चित्र में आपको देखना है ABCD में दिए गए हैं, रिप्ट घाटी, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और बरसात छायित चित्र, ठीक है। रिप्ट घाटी आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीप का पठार में से अरावली और विंध्य श्रृंखलाएं के मध्य स्थित है मालवा का पठार, किसका मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ये तटीय भाग भारत की तटरेखा, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से, किसके चेन्नई तट से, भारत के प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार है आप देखेंगे तट से 24 समुद्री मील तक, आप देखेंगे हमारा एक तरह से प्रादेशिक जल क्षेत्र है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई की अगर पूछे तो 7500 किलोमीटर यानी कि 7500 किलोमीटर, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्र तट गुजरात राज्य का देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में तटरेखा से लगे राज्यों के बारे में तो 9 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूभाग में रत्ना का नाम सूचक है हिंद महासागर का, किसका हिंद महासागर का। पश्चिमी घाट, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कन्नौज, नागरकोइल, जंजीरा, सिंधु दुर्ग की उत्तर से दक्षिण सही क्रम है जंजीरा, कन्नौज, नागरकोइल, सिंधु दुर्ग। आपको यथ तथ कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, यह अनूठा नगर उसका दुर्ग और सुदूर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजड़ तटाक
सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में बड़े थे तमिलनाडु तट के बारे में कहा गया है पूरी तरह से, ठीक है, तमिलनाडु के बारे में। ये नीचे आपका मानचित्र दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए। और भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग भौतिक भौतिक हैं, ये हैं आपके भौतिक अंतर जलीय उच्चावच रेखा की, अंतर जलीय उच्चावच रेखा की। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा और उडुपी, ठीक है। ये दोनों आपके पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सागर हो गए पुलिन, और ये राज्य जिस राज्य में, दीघा ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, गोपालपुर ये आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा, कलानगुट ये गोवा में देखने को मिलेगा, मरीना ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरुमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के जो तट है इसे कहते हैं आप लोग कोरुमंडल, तट के नाम से जानते हैं। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरुमंडल, कोरुमंडल तट। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी को, कन्याकुमारी को आप लोग केप कोमोरिन से भी जानते हैं। ये दक्षिणतम बिंदु है स्थलीय भारत का, ठीक है। ये आपके द्वीप समूह हो गए, और बंगाल की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सेंडल पीक स्थित है, ये आपको उत्तरी अंडमान में देखने को मिलेगा। कहाँ? उत्तरी अंडमान में देखने को मिलेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ देख रहा होगा आपको, यह बंगाल की खाड़ी और ये अंडमान सागर है, यही आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार, ठीक है। यही आपका अंडमान निकोबार, ये याद रखिए, कई द्वीपों का समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार ये केवल द्वीप नहीं है, इसमें कई द्वीप आपके देखने को मिलेंगे। लगभग इसकी संख्या 220 है, यानी कि 220 है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, आपका 10 डिग्री जो चैनल है ये अलग अलग करता है अंडमान को अलग, निकोबार को द्वीप को अलग। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान निकोबार को। बैरेन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में आपको बैरेन द्वीप देखने को मिलेगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है बैरन बैरन द्वीप का। श्रीहरिकोटा स्थित अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू हुआ है धनुषकोडी से, ठीक है। ये अरब सागर के द्वीप समूह हो गए, यहाँ आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए ये है अरब सागर, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी। तो इसमें जो आपके द्वीप है उनके बारे में बात कर रहा हूं। लक्षद्वीप स्थित है आपका अरब सागर में, आपको देखने को मिलेगा। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों के समूह लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति का। इसमें कितने द्वीप देखने को मिलेंगे? 36, यानी कि 36 आपको देखने को मिलेंगे। भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय और हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेत, सालसेत आपका सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ये आपके द्वीप हो गए, इनकी अवस्थिति हो गई। बेअंत सहयोधर ये कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलेगा। पिरम ये खंबात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर तट पर, और द्वीप ये आपको काठियावाड़ तट में देखने को मिलेगा। कौरी की जिसे आप लोग निवेशिका के नाम से भी जानते हैं, ये आपको कच्छ के रण क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सर क्रीक विवाद ये भारत पाकिस्तान के मध्य देखने को मिलेगा। क्या है कि भारत पाकिस्तान इस पर अपने कब्जे की बात करता रहता है, अपना क्षेत्र बताता रहता है। अभी खैर छोड़िए, अभी कुछ ही दिन पहले उसने नया मानचित्र जारी किया था, उसमें आप देखेंगे कि उसने जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बताया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूरा अपना हिस्सा बताया, समझ रहे हैं आप लोग। अभी जो नया मैप जारी किया था उसने, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लातूर जिला महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा,
विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में, और अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल अवस्थित है आपका झारखंड में, देखने को मिलेगा। झुमरी तलिया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में देखने को मिलेगा। याद रखिए, पहले झारखंड आपका बिहार का हिस्सा हुआ करता था, बिहार से अलग करके ही आपका झारखंड बनाया गया है। भारत का कोहिनूर अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं, इन द्वीपों को कहते हैं आप लोग होमड़ी। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं कर्नाटक को, किसे? कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली अवस्थित है बेंगलोर में, इस सही सुन लेते हैं। औरंगाबाद आपको महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात, हुगली कर्नाटक, गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है? ये भी आपके सही सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान में, झारखंड छोटा नागपुर पठार में, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश में, कर्नाटक मालन में, ठीक है, मालनड में, ठीक है। अम्बाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, खुर्जा करनाल रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग उप क्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से, किन किन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। आपको नीचे महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों से सीमा लगती है आपकी, ठीक है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल में आपसे पूछे तो राजस्थान पहले नंबर पर है, अगर जनसंख्या में पूछता है तो उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पर है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 34वें नंबर पर। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनकी क्षेत्रफल के औरेही क्रम में आपको लगाना है, पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार लगाना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, उत्तराखंड आपको सबसे छोटा देखने को मिलेगा। भारत का 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, यह है लगभग आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल से 12वां राज्य बिहार, ये आपका जनसंख्या में 3रे नंबर पे और क्षेत्रफल में आपको देखने को मिलेगा 12वें नंबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये देखेंगे आप लोग कि 8-9 राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से आपकी, कितने? 9 राज्यों की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार एमपीपीएससी में भी आपका पूछ लिया गया है कि सबसे ज्यादा सीमावर्ती राज्य लगने वाले किस राज्य है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। 9 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और नई दिल्ली की, ठीक है। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बंगलोर में से मध्य समुद्र तट से ऊंचाई अधिकतम है बेंगलोर की। राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यह लगभग आपका 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र की कृषि क्षेत्र कृषि के हेतु उपयुक्त है और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ये बिल्कुल सही है, राजस्थान के बारे में ये सभी पॉइंट आपके सही है, ठीक है। अब क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके कि राजस्थान में के बारे में आपको सही कथन चुनना है, ये 4-5 आपको कथन दे देगा, फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 1 सही है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। सिविल सर्विस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का एक विशेष राज्य है जो युक्त है इन विशेषताओं से या उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है, यानी कि वनों के अंतर्गत, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के
रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है, किसके? अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसके बारे में चाइना कहता रहता है ना कि हमारा भाग है, ये है अरुणाचल प्रदेश। कई बार आप विवाद भी देखते रहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक है? उत्तर राज्य की जो सात बहनें हैं वो भाग नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है उसमें। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी थी कुर्नूल। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले देखने को मिलेंगे आपको। और याद रखिए, बदलते रहते हैं कभी कभी, कई जगह आप देखते हैं कि क्या करते हैं, कई जगह अपने जिले बनाने की बात करने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं, तो ये कोई निश्चित आंकड़ा नहीं रहता है, ठीक है? इसलिए करंट से जुड़े रहा करिएगा। अभी 75 है फिलहाल। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है चार राज्यों, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा है। ये उत्तर प्रदेश में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जामों में। ऐसा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का जो चार राज्यों से सीमा साझा करता है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोनभद्र को देखेंगे आप लोग। सोनभद्र क्या है? ऐसा एक तरह से जिला है जो जिसकी सीमा चार राज्यों से लगती है। किन से? चार राज्यों से आपको देखने को मिलती है। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सोनभद्र बिहार में पहुंच गए। चंद्रप्रभा वाइल्ड ए लाइफ सेंचुरी है, दिख रहा है आपको? पता नहीं, ये मैप्स एक तो बड़ा अजीब टाइप का है। इसमें आपको देखने में कुल मिलेगा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि यहाँ रहेगा आपका, ठीक है? झारखंड हो गया, बिहार हो गया ऊपर, और यहाँ आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है? यहाँ चलिए, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, दिखा देंगे फिर कभी, ठीक है? वैसे जब उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया हुआ था, तब मैप्स का सहारा लेकर बताया भी गया था उसमें, ठीक है? उत्तर प्रदेश आपका सामान्य ज्ञान पूरा कवर करवा दिया था, उसमें सब कुछ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी कवर करवा दिया था। चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक की, ठीक है? तेलंगाना राज्य की सीमा बनाती है, तेलंगाना राज्य की सीमा बनती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ये बात कब की कर रहा हूँ? जब आपने देखा है कि आंध्र प्रदेश से अलग करके जो आपका तेलंगाना बनाया गया था, लेकिन आपको मालूम है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, उसे दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो अभी सितंबर 2020 की बात कर रहा हूं, अभी 8 आपको राज्य देखने को मिलेंगे, सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे और 28 आपको राज्य देखने को मिलेंगे, ठीक है? याद रखिए, आगे बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, आगे वाले समय में आप लोग करंट से जुड़े रहिए। क्या है कि करंट से जुड़े रहते हैं तो काफी हद तक आपको मदद मिलती रहती है, मालूम चलता रहता है कि क्या क्या घटना घट रही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलोर और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, बेंगलोर नहीं है, ठीक है? असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, मेघालय, शिलांग की राजधानी है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुकी है, ठीक है? अभी सितंबर में, पहले 7 थी। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों से। त्रिपुरा, दमन व द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, त्रिपुरा नहीं।
दमन और द्वीप के बारे में सही सत्य कथन है। दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है, इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप। याद रखिए दमन द्वीप और दादरा एवं नगेरी नगर हवेली को एक कर दिया गया है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। तो 6, 6, 2, 8 बचे, ठीक है, 8 हो चुके हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी। अगर हम जनजातियों की बात करें तो ये पीले वर्ण के निर्यात नेत, उठी हुई कपोल कपोल्स अस्थि, छोटमोट केस और मध्यम ऊंचाई वाली व्यक्ति है, इसका किसके बारे में ये कहा जा रहा है? ये मंगोलाइड जनों के बारे में कहा जा रहा है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मंगोलाइड जो जनजाति है इनकी एक तरह से विशेषता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में प्रजातियां समूह पाई जाती हैं मंगोलाइड की। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। भारत में जो एकमात्र मानव कपी पाया जाता है ये असम के स्वेत भूम गिबन में, ठीक है। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई हरियाणा में। ये जनजाति हो गए मूल राज्य। थारू उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, भोटिया सिक्किम में, मुंडा झारखंड में, कोल आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। वह जनजाति जो दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है थारू जनजाति। याद रखिए इसके बारे में भी पूछ लेता है कि दीपावली को शोक त्योहार में त्योहार की तरह मनाने वाली जाति कौन सी है, जनजाति यह है आपकी थारू। थारू लोग का निवास है उत्तर प्रदेश यूपी में। जनजाति और राज्य लिंबू ये सिक्किम में देखने को मिलेगी, कार्बी असम में, डोंगरिया कौंद उड़ीसा में, बोंडो ये उड़ीसा में, ठीक है। अबोर गद्दी लेपचा थारू जनजातियों में से धौलावर सैंडी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति नहीं है, सॉरी जनजाति है गद्दी, ये आपकी देखेंगे धौलापुर सैंडी क्षेत्र की जनजाति है। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश की। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया द्वारा। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ियों के। गारो जनजाति है मेघालय असम और मिजोरम में पड़ती है, मिजोरम में रहती है। गारो खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में सबसे ज्यादा, असम मिजोरम तीनों राज्यों में। चेंचू लेपचा डफला डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है, ये चेंचू देखने को मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछे तो भील जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपको देखने को मिलेगी। एक जनजाति जो सरहोल त्योहार मनाती है ये मुंडा जनजाति है जो सरहोल त्योहार मनाती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जौनसारी है। मिजोरम में वस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रेखिक पितिरूप है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं इसलिए, ठीक है। ये भी आपका सही सम्मिलित है। भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश खासी मेघालय संथाल झारखंड टोडा तमिलनाडु ये सम्मिलित है। बिहू आपको असम में देखने को मिलेगा, ओडम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाबी त्योहार है। राज्यों का मुख्य भाषा गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, सिक्किम लेपचा, ए अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, गोंड मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है संख्या में। और याद रखिए आप जब भी एग्जाम देते हैं उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन क्षेत्र से मध्य प्रदेश में। भील जाति पाई जाती है आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश में। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी टोडा खस कोटा बोटा तिवान इरावा और नायर जनजातियों में। सूची एक सूची दो जनजाति हो गई और निवास स्थल भील आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे, संथाल झारखंड में, सॉरी भील राजस्थान में, संथाल आपके झारखंड में, राजी आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। सूची एक सूची दो जनजाति क्षेत्र बीरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंटी लेनेज ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ इनके क्षेत्र में अगर कोई भी जाता है तो ये उसे मार देते हैं।
अमेरिका ही व्यक्ति कोई गया हुआ था, तो आपने सुना भी होगा कि उसे अपने तीर बाण चलाते हैं अभी भी ये लोग, उन्होंने मार दिया था। तो इस तरह के क्षेत्रों में जाने से पहले वहां की जानकारी इकट्ठा कर लिया करिएगा, ठीक है। सोचिए, एक सूची दो, टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बीरहोर झारखंड, गारो मेघालय। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, ये निवासी हैं राजस्थान के। कहाँ के? तो राजस्थान के। ये सम्मिलित हैं आपके जनजाति हो गए और निवास स्थान, जौनसारी उत्तराखंड में, भील आपको मध्य प्रदेश में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ये पहाड़ी कोरवा, जसपुर, बेगा, मंडला, मरिया, पातालकोट, छिड़वाड़ा, सहरिया, ग्वालियर, एमपी के हैं सर, ठीक। मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। चांगपा समुदाय के बारे में कहा जा रहा है, बुक्सा, पोड़ी गैडवाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। ये राज्य और उनकी जनजातियां, असम, मीरी, नागालैंड, कुन्नैक, अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, राजस्थान में लंबाड़ा। जुलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब देखी थी उसमें आपके जो भी विश्व में जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। छिदवाड़ा, भारिया, मंडला, गोंड, झाबुआ, भील, शिवपुरी, सहरिया। लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। लोहासुर को अपना देवता मानती है। सोम्पेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग रहते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग हैं जो हाल में चर्चा में रहे थे, अंडमान निकोबार के। याद रखिए, इनके बारे में क्या करना है आपको कि जब भी कोई जनजाति चर्चा में रहती है किसी कारण से, तो उनके बारे में कुछ ज्यादा ही जान लिया करिएगा पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चंस आपके उन्हीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि आप इतनी जनजातियां देखेंगे कि जिन्हें रट पाना और याद रख पाना मुश्किल है, तो क्वेश्चंस वही वहीं से बनते हैं जो करंट में रहता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। मग्नियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है पश्चिमोत्तर भारत में, अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग, झूमिंग, ठीक है। ये भाषाएं हो गई आपकी। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी का नंबर आता है। हिंदी के बाद नंबर आता है बांग्ला का। आप देखेंगे 40% 40% के करीब आपकी हिंदी बोलने वाले, उसके बाद आप देखेंगे कि बंगला भाषा बोलते हैं, दूसरे नंबर पर आपके बंगला भाषा बोलने वाले हैं, पहले पर आपकी हिंदी भाषा। आष्टिक समूह की भाषा है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन नीचे आपका मानचित्र दिया गया है, इस पर विचार करना है। ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों को मुख्य बोली जाने वाली भाषा क्रमशः है, ये आपको देखने को मिलेगी ब्रज भाषा, बी में आपको देखने को मिलेगी अवधी, सी में आपको भोजपुरी और डी में आपको मैथिली, ठीक है। ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ये आपके अपवाद तंत्र हो गए। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाद तंत्र का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से, जैसे आप लोग भारत में गंगा नदी कहते हैं ना, ऐसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कथन ए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, बिल्कुल सही है। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई संबंध ऐसा नहीं है कि जो जितनी पवित्र होगी उतनी ही गंदी होगी, आपने देखा है। लेकिन 2014 के बाद से जब नई गवर्नमेंट आई, आपकी सरकार आई, तो इसमें काफी इस पर ऐसे भी उपचार किए हैं। आप देखते थे इलाहाबाद से जो भी नाले रहते थे डायरेक्ट छोड़ दिए जाते थे बिना उपचार किए पानी का, तो अब काफी प्रतिबंध लग गया है। और जो कानपुर के आपके चमड़ा उद्योग थे, ये भी अपना डायरेक्ट पानी नदी में गंगा में ही छोड़ देते थे, तो इस पर भी काफी प्रतिबंध लगाए गए। अब काफी साफ भी हो चुकी है गंगा, ठीक है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, ये आप देखेंगे 6,000 मीटर तक, 6,000 मीटर तक। देवप्रयाग, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। क्या? देवप्रयाग, अलकनंदा
और भागी नदी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। रुद्र प्रयाग आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर, और अलकनंदा नदी के नदी बद्रीनाथ से बहती है। कहाँ से? बद्रीनाथ से। ये आपके स्थल हो गए नदियों के संगम, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है, और नंद प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी का, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर का, और देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी का। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है ये देव देव प्रयाग में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? देव प्रयाग में। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्र प्रयाग के मध्य बहती है, यह है मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, यह है अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गोमती। कथन एक, कारण आर। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। सही है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये गलत है आपका। ए कथन सही है, कारण आर गलत आपका। यमुना नदी का भी यही हाल था कि आप देख रहे हैं सबसे गंदगी आपको यहाँ देखने को मिली, लेकिन काफी इस पर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, देखते हैं कब तक सब साफ हो जाती है। वो बोलते थे ना कि वो जो उद्धार दूसरे लोगों का करती है, वो आज खुद अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है। नदी इतनी गंदगी फैल चुकी है। बेतवा चंबल केन रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा नहीं, रामगंगा नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुर छोटी सी। बेतवा नदी मिलती है यमुना में, किससे? यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन। गंगा नदी में बाई से नहीं मिलती है सोन नदी। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक कार्य करने वाली श्रेणी है, यह कैमूर श्रेणी। कौन सी? कैमूर श्रेणी। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है या यू टर्न बनता है, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। एक तरह से याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी का एक और नाम है यरलुंग जंगबो नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। ये तीनों आपकी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपु नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत बांग्लादेश भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं देवांग कमेंग लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगर दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है, एस्टुअरी बनाती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ये भी आपका सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी दे रहा है। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है या नहीं, ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियां भरेंस घाटी से उगर बहती हैं, ये भी आपका सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। यह एक रेखीय यानी कि विवंस रिप्ट घाटी में विस्तृत है नर्मदा नदी। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह बिंद और सतपुड़ा। बिंद और सतपुड़ा। कथन एक, कारण आर। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, गलत है, क्योंकि आप देखते हैं कि नर्मदा एस्टुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। वह एक भरेंस घाटी में बहती है, ये सही है आपका, यानी कि आर सही है, ए गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं,
नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये तीनों आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, तापी नदी। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है। राजनांदगांव कौन सा? राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। रिप्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, जो आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो 3 बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्री रंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री रंग के द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी नदी है। कौन सी? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी जिस राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। या आप लोगों को एक बता दूं, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण की गंगा, देखिए कावेरी नदी है। क्या है? कावेरी नदी है। ये याद रखिए, केवल यहाँ दक्षिण की गंगा दिया गया है, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा कावेरी है। कृष्णा नदी जल विवाद है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य। देखिए, दक्षिण की अगर गंगा पूछ रहा है तो आपको कावेरी बनाना है, और अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा तो आपको बताना है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी वह नदी ये याद रखिए, बोर्ड मानते भी है सही, तो याद रखना, इन्हें याद रखना, कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। कृष्णा नदी यानी कि दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है, गोदावरी और कृष्णा को। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है, ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रम है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती का। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नयार, कावेरी और बेंगई। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वेपचनुमा। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नदी बनाती है वह है महानदी। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदियां जिनके घाटों में जल का अभाव है, वह साबरमती और ताप्ती के घाटों में। वह स्थान जहां से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम यानी कि निकलती है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं पंबार, भवानी, कावानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नयार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती और प्रणहिता। ठीक है, अन्य नदियों के बारे में अगर आपसे पूछे तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर पूछे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नयार, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, ये सभी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की पूछे तो कोयना, यरला, डीना, वरना, घाटप्रवाह। हगरी हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है किसन गंगा, गंगा, बैनगंगा, पैनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3, 4 से अंकित नदियां हैं। यहां आपको गंडक देखने को मिलेगी, ठीक है, और ये आपकी क्या है? गंगा, ये आपको देखने को मिलेगी गोमती,
और ये आपको घाघरा, ठीक है। और याद रखिए मेन यहाँ है जो ये गंगा ही कहलाती है आपकी पूरी मिलने के बाद, ठीक है। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नगर, एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी है दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर, दामोदर। भारत में भूमि बंधित नदी है ये आपको देखने को मिलेगी लूनी, क्या सी लूनी, लूनी, लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। महानदी घग्गर, नर्मदा, कृष्णा नदियों में से अंतर्स्थलीय अब्बाह नदी के उदाहरण है घग्गर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है कोसी, याद रखिए इसे बिहार का सोग भी तो कहते हैं कोसी नदी को। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसमें वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया, आपात की स्थिति उत्पन्न की, तो कोसी है। भारत की नदियां स्पीति, सतलज और सेओग, जासकर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम है सेओग, जासकर, स्पीति, सतलज। याद रखिए अगर नदियों के बारे में आपके पास और भी पॉइंट हुआ करेंगे इससे हटकर तो आप नीचे लिख दिया करेगा, ठीक है। संथाल परगना में लगने वाला दुमका कहे हिजला मेला आयोजित किया गया जाता है मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य और नदियां के नाम बताना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कैन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, वह स्थित है बेतवा नदी पर, ठीक है। कथन एक कारण आदि। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, गलत है। दक्कन पठार अपनी पश्चिमी किनारे पर उच्चतम पर है और पूर्वी बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, आर सही है। ये कथन आपका गलत है, ए गलत है, आर सही है। कथन ए गलत है, कारण आर सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र, ये आपकी नदी हो गई सूची एक, सूची दो नदी सहायक नदी। गोदावरी, मंजरा, कृष्णा, भीमा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, गोदावरी, इंद्रावती। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोस नदी भी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और पश्चिम बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है ये महानदी है, माही नदी, माफ कीजिए माही नदी। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह बिहार, विहार झील। अब बात कर लेते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर, इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है आपका सतलज नदी के तट पर। जब आपकी किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की थी ना तो उसमें आपका बताया भी गया था, ठीक है। तो आप लोग जाकर उसे जब टाइम हो तो आप लोग उसे जरूर पढ़ लीजिए, बढ़िया बुक्स लिखी गई है। हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी, मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। ये नगर हो गए, ये समीपवर्ती नदी तट हो गए। बैतूल ताप्ती नदी, जगदलपुर इंद्रावती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन छिप्रा नदी। पहले पता है हम लोग हम इसे क्या कहते थे छिप्रा, जब छोटे थे तो इस नदी को छिप्रा नदी नहीं सिप्रा नदी कहते थे, पर किसी ने बोला कि नहीं छिप्रा है, क्या है कि मैं कई बार सी छिप्रा को सिप्रा। उज्जैन आप देखते हैं यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, ठीक है, कुंभ भी लगता है यहाँ होता है। गोविंद घाट अवस्थित है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे, ठीक है। प्रपात और झीलें हो गई। हुंडू प्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर, ये जलप्रपात और नदी। कपिलधारा जलप्रपात
ये नर्मदा नदी पर, दुग्धधारा जलप्रपात भी आपका नर्मदा ही नदी पर है मध्य प्रदेश में, जोग प्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम प्रपात ये कावेरी नदी पर। जोग प्रपात आपका शरावती शरावती नदी पर, शिव समुद्रम प्रपात आपका कावेरी नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। भारत को वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर आप लोग जानते हैं, यह है चित्रकूट फिरता प्रपात। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर प्रपात। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार धुआंधार प्रपात, ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। विश्व जल प्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात नोह काली कई मेघालय में है, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है थी 455 मीटर। भीमनाद झील अवस्थित है केरल में। भीमनाद झील कहाँ स्थित है? केरल में, केरल में, ठीक है। फिरयार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो एक कृत्रिम झील है। चिलका झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। चिलका झील स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील अवस्थित है मणिपुर में, कहाँ? मणिपुर राज्य में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। फुलकर झील स्थित है उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। झील हो गई ये अवस्थिति। लोनार ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। नक्की राजस्थान। कोलेरू आंध्र प्रदेश। डल कश्मीर। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। असम में अवस्थित झील है चप नाला झील। रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को आप लोग रहस्यमयी झील कहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील श्रीनगर में। ये आपकी झीलें हो गई अवस्थिति। अष्टामुड़ी केरल में देखने को मिलेगा। पुलिकट तमिलनाडु। रूपकुंड उत्तराखंड। सूरजकुंड हरियाणा। रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा में देखने, ठीक है। बर्फ से ढकी ढकी झील घेपन कहाँ देखने को मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये जलवायु हो गई। इसके मानसून से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से। अरबी भाषा से। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। बिल्कुल सही बात है। कारण आर, उच्च हिमालय उसी जलवायु संबंधी विशिष्ट प्रदान करता है विशिष्टता। ये भी आपका सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। अभी कथन ए, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। बिल्कुल सही है। तर्क आर यानी कि कारण आर, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। ये गलत है। यानी कि ए कथन सही है, आर कारण गलत है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। कहां? केरल में, ठीक है। भारत में ग्रीष्म काल मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो याद रखना चाहिए कि इसी मानसून के कारण सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हमारे देश में, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म गर्मी में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त जलवायु आरेख प्रसंग है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, ठीक है। भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह। क्या है? लेह। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार पर विभाजन करने के लिए आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस ये है हमारा प्यारा भारत। देख लीजिए ऊपर दिए गए मानचित्र की के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के मध्य तापमान परिवर्तित होता है। 25 डिग्री सेल्सियस से आप देखेंगे 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, ठीक है। यहाँ भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण क्या है? इसका स्थल और समुद्र की का विभेदी तापन। दोनों कथन आपके सत्य हैं। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है
उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आद्य दक्षिण पूर्व जलवायु का। आद्य जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि और तेजपुर में। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सही कथन है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आद्य वायु सेंतिया माइस्ट मॉइस्ट ईयर मासिज पछुआ हवाओं के भाग हैं। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। वर्षा, वर्षा भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण मानसून से। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की खेती है, कृषि है, उसे मानसून का जुआ कहते हैं। इसलिए क्योंकि अधिकतर कृषि आपकी मानसून पर निर्भर रहती है। अगर मानसून अच्छा रहा तो खेती अच्छी रही, और नहीं रहा तो आप समझते हैं। इसके लिए आप बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा यही लोग आप देखिए कि पानी से मतलब पानी यहाँ कमी है, और एक तरह से आप सोचिए कि इसी क्षेत्र में सबसे आप फसल देखेंगे सबसे ज्यादा मानसून पर ही निर्भर रहती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और जम्मू कश्मीर राज्य में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। आप देखिए कि अजमेर और शिलांग में, ठीक है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित करता है चेन्नई को। किसे? चेन्नई को। भारतीय नगरों पटना, कोची, कोलकाता, दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। आम वर्षा संबंधित है आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान है लेह। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। मेघालय का जो मासिनराम है यहाँ सबसे ज्यादा आप देखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़ी ही महीनों में जोड़ होना। याद रखिए अगर इसे हम लोग इकट्ठा करें, तालाब बनाए, बांध बनाए बड़े बड़े, तो हम पानी से कभी नहीं जूझ सकते हैं। आप सोचिए कि बुंदेलखंड में आप समझते हैं बेतवा नदी है, तो आप समझिए कि उसकी अगर आप सोचें कि उसका पानी अगर हर क्षेत्र में पहुंचाया जाए, झांसी मुझे लगता है पास ही होगा 14-15 किलोमीटर बहुत से बहुत, अगर उसका पानी झांसी में पहुंचा दिया जाए तो कोई प्यास से नहीं मरेगा। लेकिन आप देखते हैं पानी से सबसे ज्यादा जूझता हुआ है बुंदेलखंड, फिर भी सब कुछ व्यवस्था होने के बाद। वह जल प्रबंधन नियुक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है वर्षा के जल का संचय। भारत में दो औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है ये जम्मू कश्मीर में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये आपका नीचे मानचित्र दिया गया है वार्षिक वर्षा। भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा का मान कितने से कितने तक घटता जाता है? 100 से 150 सेंटीमीटर तक, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा में, बालोतरा में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। कथन एक, कारण आप। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा तो आर्द्रता मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी।
ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। ये नीचे देखे आपके चित्त दर्शाया गया है, ये क्या है, अखिल भारतीय जल विभाजक को इंगित करती है ये लाइन, ठीक है, भारत की, ये यहाँ पूरा भारत है, ठीक है, ये लाइन आपकी केवल अखिल भारतीय जल विभाजक है, पर आप समझ लें कि यहाँ केवल भारत है, इसे आप पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। सूची एक, सूची दो, जलवायु परिस्थितियां कारण, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है अक्षांश के कारण, किसके अक्षांश के कारण, हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है समुद्र से दूरी के कारण, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी दाब के कारण, भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, मौसमी नदियों से जल का तटबंधी है करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब अब क्रियान्वित है 40 जिलों में 7 राज्य में, कथन एक कारण और, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में होती है, ए भी सही है, आर ए सही है, दोनों आपके याद रखिए। अब लेकिन आप देखेंगे पर्याप्त विकास होने लगा है इसमें, ठीक है, पर्याप्त नहीं है लेकिन अब चालू हो चुका है, गंगा नदी पर आप देख सकते हैं, शीतकालीन वर्षा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी पश्चिम विक्षोभों से, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब तमिलनाडु, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उत्तर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, कथन एक कारण और, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, ये भी सही है, यानी कि आर और ए आर दोनों आपके सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु, ठीक है, कथन एक कारण आर, पिति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, वायु ताप निम्न होता है, बिल्कुल सही है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली पिति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, ये आपका गलत है, आर आपका कारण गलत है और कथन ए सही है, ठीक है, भारत में शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं आपकी, वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट, हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हो हुआ था वह है आंध्र प्रदेश तट, याद रखिए जब भी जो आपदाएं आती हैं इस तरह की तो करंट से जुड़ा रहा करिएगा, क्योंकि हाल में जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में पूछ लेता है कई बार, जो चक्रवात आते हैं, भारत में सुनामी सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में देखने को मिलेगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में, कहाँ नई दिल्ली में, सुनामी वार्निंग सेंटर यानी कि चेतावनी सेंटर कहाँ हैदराबाद में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाएं होंगी, प्रदेश हो गए, बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, भूकंप हिमालय का ग्रीवात क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में, आप खुद सोचिए, मालूम है हमें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ आती है, फिर भी हम लोग व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं बाढ़ के समय, बरसात के समय में, आप देखते हैं बिहार में कितने लोग, लाखों लोग प्रभावित होते हैं इससे, घर बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं, इससे यही तो कारण है पिछड़ने का बिहार का, कि नेता अपने वही है कि अपनी जातवाद को लेकर, वो तो बड़े हो गए लेकिन जात के लोग अभी भी वहीं जी रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी भी जाति के नेता को ले लीजिए उसके बच्चे कभी गरीब नहीं होंगे, और उनके जो जिनके लिए वो लड़ते हैं वो गरीब बने रहते हैं, खुद अमीर हो जाते हैं, कहीं लिखा देखा था मैंने कि वो पता नहीं कैसे क्यों जो लोग गरीबी के गरीबों के लिए लड़ते लड़ते अमीर कैसे बन जाते हैं, यह हकीकत है हमारे देश के नेताओं की, कथन ए और कारण आर, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, कथन ए कारण आर, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है,
ये बिल्कुल सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में पड़ता है, ये भी आपका सही है। यानी कि कथन भी सही है और कारण आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, कथन ए कारण आर। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा बिहार गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं है, नहीं आता है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार। भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है वह है चार जोन। ए नगर हो गए, भूकंप मंडल, भुज 5, हैदराबाद 2, श्रीनगर 5, चेन्नई सेकंड। ठीक है, एक कथन और कारण। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ी है, बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी होती हो गई है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। अभी आप देखिए, अभी चुनाव है बिहार में आपके 2020 में, देख रहे हैं आप लोग। तो एक केस आपने देखा होगा कि सीबीआई के अंदर में पहुंचा सुशांत का, ठीक है, उसका सीबीआई जांच हो रही है, वो अलग मैटर है, होनी चाहिए, उसके विरोध में कोई नहीं है। लेकिन आप सोचिए, उसे उसका मतलब जो व्यक्ति मर चुका है उसके नाम पर वोट बटोरना एक गलत है। आप देखिए, बिहार का पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर खत्म हो जाएगा। बाढ़ की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, आप देखिए गरीबी की समस्या है, स्वास्थ्य की हालत आपने कोरोना महामारी में देख ली है, ये बिल्कुल भी मुद्दे नहीं होंगे। और आप समझिए, अगर इस तरह के मुद्दे नहीं होंगे चुनाव के लिए, तो कहां से कहां पहुंच जाएगा राज्य, आप खुद स्थिति जान सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में भी आप देखें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होते हों, उस देश को आप लोग हमेशा टॉप पर देखेंगे। ठीक है, कभी भी आप देख लीजिए। मिट्टियां, काली मिट्टी वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती हुई है, रेगुर मिट्टियां कहलाती हैं। रेगुर मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसे। रेगुर मिट्टी की विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। कथन एक कारण आठ, दक्षिणी टेप की रेगुर मिट्टियां काली होती हैं, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ए तो सही है, लेकिन आर बिल्कुल गलत है। कथन ए कारण आर, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है, और उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी बोलते हैं ना इसे आप लोग। कथन ए कारण आर, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उसमें नाइट्रोजन जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये गलत है। यानी कि ए कथन आपका सही है, आर गलत है। सुता कृष मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। लावा मिट्टियां पाई जाती है मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, काली मिट्टी। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में एक सही कथन है, वे साधारणता लाल रंग की होती है और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, यही फसलें उगाई जाती है। कथन ए और कारण आर, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के कुल शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में 30% तक कम है, बिल्कुल सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी कि लेटराइट प्रकार की है, ये गलत है, आर गलत है और कथन सही है इसमें ए। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश से। लेटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुभव होती है, यह लेटराइट मृदा मिट्टी। फिर आपकी दोमट या जलोढ़ मिट्टी,
आपको बताना है आपके क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं बताइए, आप लोग नीचे किस क्षेत्र से रहते हैं आप लोग। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी का। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांकर। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है बलुई दोमट मिट्टी। दोमटी लोम मिट्टी में मिलते हैं मिट्टी के सभी प्रकार के कण। ठीक है, मिट्टी और विविध। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में होती है कैल्शियम की। कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा देखने को मिलेगी। आलू, सोरदम, सूरजमुखी और मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मटर। ठीक है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह उड़द। उड़द यानी कि उड़दा भी कहते हैं इसे आप लोग। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह जस्ता। कथन ए, कारण आप। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, हिमालय में सर्वाधिक चित्त वनाच्छादित है। ये आपका, माफ करिएगा, ये गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है यार, इस तरह की अगर मैं गलती से बोल देता हूँ तो आप लोग सुधार लिया करिएगा। ठीक है, थोड़ा सुधार के नीचे लिख दिया करिएगा विस्तार से, क्या है कि गलती हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। मिट्टी वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। मृत्तिका अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान होने की संभावना है 6 से 7 के बीच। एक बात याद रखिए, जो पीएच स्केल मान है जिससे नापा जाता है वो 14 अंक होते हैं उसमें। अगर आप 7 से नीचे आते हैं तो अम्लीयता और 7 से ऊपर जाते हैं क्षारीयता, अगर 7 पर रहते हैं तो उदासी। ठीक है, आपको बताना है रक्त का पीएच मान क्या होता है, कई बार पूछा जा चुका है और बिल्कुल सरल है आपका। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो उपयोग किया जा सकता है लाइम का। किसका? लाइम का, लाइम का। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। खेतों में जिप्सम का उपयोग। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। कहा? गुजरात में। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल की वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ठीक है, याद रखिए। आगे है आपका, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अम्लीय। मृदा अपरदन और सुधार। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह है शिवालिक पहाड़ियों के बाद और चंबल घाटी। चंबल नदी आप जानते हैं ना, इसके जाने सबसे ज्यादा आप देखते हैं अपरदन की घटनाएं आती है। यहाँ बड़े बड़े खंडर हो जाते हैं अपरदन के कारण, फिर आप जानते हैं कि डाकुओं की शरण स्थली बन जाती है। आप लोग देखते हैं ना चंबल के डाकू, सुनते रहते हैं। चंबल घाटी की खोए खंडों के निर्माण का कारण अपरदन है, वह अपरदन प्रारूप है अवनालिका का। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और अवनालिका अपरदन। किस भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? यह सोरघम। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के लिए के संदर्भ में पिछली पद्धतियां हैं सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदी का निर्माण, टेरेसिंग, वायु रोध है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। ठीक है, एक प्राकृतिक वनस्पति हो गई आपकी। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। कहाँ? हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। कौन सी? खैर। वह वन जो भारत के सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है यह उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन। सागवान तथा साल उत्पाद वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बहुल है वह है देवदार वृक्ष। वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है आपको छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलेगा। जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। जंगल की आग किसे कहते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। भारत में सागौन वन पाया जाता है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश।
वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते, फर्न। पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? क्योंकि आप देखेंगे पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना इसका कारण है। एंटीलोपो ऑरिक्स और चेरू के बीच अंतर है। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चिरू ठंड और उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में रहने के लिए है। ठीक है, याद रखिए आप लोग, क्या क्या याद रखें, सब कुछ याद रखना है। ये नगर हो गए, भूकंप मंडल हो गए, सागौन, मध्य भारत, देवदार, हिमालय कुछ क्षेत्र, सुंदरी, सुंदरवन, सिनकोना, हिमालय की तरह। माफ करिएगा कि यहाँ मिसप्रिंट है शायद, ये आपके क्षेत्र हो गए और ये व्यक्ष हो गए आपके। ठीक है, सुंदरी का व्यक्ष पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सूची एक, सूची दो, वन प्रकार और प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन तराई में देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये आपको मध्य गंगा मैदान में देखने को मिलेगा, अल्पाइन या अरुणाचल प्रदेश हिमालयी भाग में देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सहारदी में देखने को मिलेगा। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सोलिप्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित और अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, देवदार। वह राज्य जिसके जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में है, यह है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामाजिक वनिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्षों का एक उदाहरण है खेजरी। लीसा प्राप्त होता है हमें चीड़ के वृक्ष से। किसके? चीड़ के वृक्ष से। ये आपकी सूची एक, सूची दो, कच्छ वनस्पति होगी और राज्य अचरा ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कुड़ापुर एक कर्नाटक में, पिचवरम ये तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल में। केरल की कच्छ वनस्पति यहाँ पाई जाती है, वेम्बनाड कुन्नूर में। ठीक है, ये सिंचाई हो गई नहरें। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, बिल्कुल सही है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, ये भी बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी दे रहा है। ठीक है, भारत के संदर्भ में सही कथन है, देश की सिंचाई का योगदान स्रोत सबसे ज्यादा नलकूप है। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य पंजाब 98.7 लगभग प्रतिशत। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है, मृदा से उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ क्षेत्रों जैसे कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका भी जा सकता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है PWP सिंचाई। गत वर्ष 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। भारत को वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपयुक्त भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम। भारत में माता नहर को प्रस्तावित किया था देंडसा जी दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बेहद परियोजनाओं से। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? 4000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। कहाँ? केरल में। सारन सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिकेन बैराज। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। जिन नदियों के संगम पर है वह नदी कौन सी है? ब्यास और सतलज। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है सतलज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 में से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम क्या है? सतलज नदी पर हरी बांध से। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ब्यास, रावी और सतलज नदियों से। ब्यास नदी का पोंग बांध जल का उपयोग करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा नहर है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर है गंग नहर।
गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह ने किया था 1927 में अंग्रेजों के समय। ठीक, गंग सिंह जी ने। शारदा का एक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमियों के उपयोग के रूप में को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरोरा बुलंदशहर में गंगा नदी। ठीक है, नरोरा बुलंदशहर में गंगा नदी है इसका। हरियाली एक नई योजना है जल संग्रह से संबंधित विकास योजना और वृक्षारोपण के लिए। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम है को कार्यान्वित करने की लाभ है। मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन एक कार्यक्रम होगा ये मंत्रालय। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन संसाधन विभाग, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्षा पूरी क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग। ड्रिप्स यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है, खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी। ये आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, तो याद रखिए सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, कहां बनाया था? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है मेधा पाटेकर। इन्होंने आपने देखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया था मेधा पाटेकर ने। ठीक, बर्गीय ओंकारेश्वर इंदिरा सागर और बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो बाण सागर आप याद रखिए इंदिरा नदी नर्मदा नदी पर नहीं है, बर्गी ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। मध्यप्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर जलाशय में। ओंकारेश्वर परियोजना संबद्ध है नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए किया गया था एक कौन सा है? सरदार सरोवर। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब राजस्थान की। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब राजस्थान की। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल शक्ति परियोजना स्थित है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है। कावेरी नदी जो विवाद है इसमें कौन कौन राज्य शामिल है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर। भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। किस पर? महानदी पर। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित बांध है गांधी सागर। याद रखिए चंबल नदी पर आपका राणा प्रताप सागर भी है और गांधी सागर भी। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों का लाभान्वित करती है चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी योजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी की घाटी की योजनाएं देखने को मिलेगी। टेहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है ये भागीरथी नदी पर देखने को मिलेगा। टेहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। ठीक है, मैथोन, बैल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। कथन ए और कारण आठ। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। सही है, दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। दोनों आपके कथन सही हैं, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी दे रहा है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में तवा परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। किस पर? तवा परियोजना आपकी एक तवा नदी भी है याद रखिए। क्या है? तवा नदी भी है। आप देखेंगे तवा सबसे ज्यादा एक तरह से ये आपको माफ करिएगा देखा क्या है ना गलत है यहां। तवा परियोजना आपको देखने को मिलेगी तवा नदी पर। किस पर? तवा नदी पर।
तवा नदी पर देखने को मिलेगी आपको। और याद रखिए, इसलिए अगर तवा नदी नहीं दी होगी तो आप नर्मदा नदी लगाइएगा, क्योंकि आप देखेंगे तवा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है ना, इस पर बांध बनाए गए और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका तवा नदी नहीं दिया गया हो और अगर नर्मदा दिया जाता है तो नर्मदा आप लोग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी सहायक नदी है आपकी तवा। सही सम्मिलित है हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र, कुद्देमुख पहाड़ियां कर्नाटक में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य है फागड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई, यह चुक्का बांध परियोजना किस किस के बीच है? भारत और भूटान के सहयोग से, दोनों के बीच ये परियोजनाएं हो गई आपकी। ये अवस्थिति हो गई भागड़ा, ये सतलज पर, हीराकुंड, महानदी, इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन, कृष्णा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है मद्रास को। किसे? मद्रास को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ठीक है, ये आपकी नदियां हो गई, ये बांध हो गए। कावेरी पर मेटूर बांध, अलमट्टी बांध की पूछे तो कृष्णा नदी पर, सरदार सरोवर, नर्मदा, गांधी सागर, चंबल, माता टीला, बेतवा, ताप्ती, काकरापारा, ये ताप्ती नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अलमट्टी बांध की अगर बात करूं तो कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। मेट्टूर तमिलनाडु में, मयूराक्षी ये पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हीराकुंड आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदियां हैं। इडुक्की पेरियार में, माता टीला बेतवा, नागार्जुन सागर कृष्णा, पोचम्पाद ये गोदावरी में। ठीक है, गोदावरी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, जयकवाड़ी ये गोदावरी नदी पर, टेहरी भागीरथी नदी पर। कल्पवांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है ये सिद्धराबाग देखने को मिलेगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। ये आपके बांध हो गए उपदेश। फरक्का पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, घाट प्रवाह कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में, कपरापार ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। सूची एक, सूची दो। रेहंद उत्तर प्रदेश में, ओकई आपको गुजरात में, कोयना महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बांध हो गया, झील हो गए। गोविंद सागर सतलज पर, कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी द्वाब क्षेत्र में, ओकई ये जलाशय आपको ताप्ती नदी पर, और बुलई झील बुलर झील ये आपको झेलम पर। ठीक है, कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर। तावा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से। किससे? होशंगाबाद से संबंधित है। पौंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। किस पर? कोठारी नदी पर। तोलबोल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। बगलियार पावर पावर प्रोजेक्ट है जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया। भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है यह चेनाब नदी। ठीक है, बगलियार पावर प्रोजेक्ट आपका चेनाब नदी पर है। बगलियार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही है जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। ये सिंचाई परियोजना हो गई राज्य दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पंबा केरल। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। महाकाली संधि जिन देशों के मध्य हुई थी वह है नेपाल और भारत। कल्पक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर मध्य महाराष्ट्र। ठीक, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है यह है हिमाचल प्रदेश। तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट स्थित है तिस्ता नदी पर विस्थापित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है पश्चिम बंगाल। तिस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है आपकी सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी।
दोनों सही सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है। बहुउद्देशीय परियोजना, परियोजना और संबंधित नदी पर है, किस पर है? जैसे आपसे पूछे रिहंद परियोजना किस पर है, ये सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर है, बैतवा नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, ठीक है। रेहंद परियोजना सोन नदी, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बैतवा, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बैतवा नदी पर, किस पर, बैतवा नदी पर। दोलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक तरह से पावर स्टेशन कहाँ है, चेनाब नदी पर, किस पर, चेनाब नदी पर। ये जलाशय हो गया, ये राज्य भद्रा ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा, भवानी सागर ये तमिलनाडु, गांधी सागर एमपी मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तिलैया बांध अवस्थित है वराकन नदी झारखंड पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में यूपी में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार व उत्तर प्रदेश की, बिहार व उत्तर प्रदेश की। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित है किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। सूची दो नदी घाटी परियोजनाएं, नदी होगी। पंचेट हिल बांध ये दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है ये सिर्फ समुद्रम नहीं है, देखिए सिर्फ समुद्रम बांध सिंचाई के लिए नहीं है। अति विवाद बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है महाराष्ट्र में। एक बात और याद रखिए आप लोग, कोई भी बांध बजाया जाता है, कोई भी एक तरह से आप घाट सोचिए इस तरह के बांध बनते हैं, राणा प्रताप सागर बांध हो गया या कोई भी बांध हुआ आपका, तो इसके कई उद्देश्य होते हैं, बहुउद्देशीय होते हैं, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, समझ रहे हैं, ये सब के लिए। कृषि, भारतीय कृषि का इतिहास लिखा जाता था, एम एस लिखा था किसने, एम एस रंधवा ने। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 20। कथन ए और कारण आर, भारत शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, बिल्कुल सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता भी है, ए भी सही है, ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। आगे आपका भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीच प्रति स्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाधाएं हैं। वह हैं निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता की वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। इसमें देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है ये है, आपको देखने को मिलेगा जेबी जेबीपी एयू पंतनगर में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। यदि खाद्यान्नों की सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आधा अंश होना चाहिए 14% से, कितना, 14% से। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण के सन्निकट निरूपण है नेट वाई क्षेत्र 47%, वन 23 और अन्य क्षेत्र 30%। कृषि में युग्म पैदावार का आशा है विभिन्न मौसम पर दो फसलें उगाने से। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और शस्त्र उत्पादन को एक साथ करना। देखिए हमारे यहाँ कम ही आप देखते हैं मिश्रित खेती कम ही की जाती है, कहने का मतलब है कि देखिए आप किसान हैं तो मैं तो कहता हूँ किसान है तो अच्छी तरह से किसानी करिए ना, उसमें आप हो सकता है कि पशु पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, इस तरह से कि अगर फसल बर्बाद भी हो जाती है तो कोई बैकअप देने के लिए आपके पीछे हो, समझ रहे हैं, कि आपके पास पशु हैं कम से कम, तो वो दूध देकर आपका मतलब खर्च तो चलाएगा, और अगर फसल अच्छी भी होती है तब भी आपको दुगनी आमदनी होगी और आपके परिवार की स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन हम में से अधिकतर किसान क्या करते हैं कि एक ही खेती पर निर्भर रहते हैं, जब खेती बर्बाद हो जाती है तो आप देखते हैं सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादन का निम्न स्तर, फसलों की विविधता और बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो बड़े खेतों की प्रधानता नहीं देखने को मिलेगी। कथन एक कारण आर, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेतों में
खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक पर्यावरण की लागत सम्मिलित नहीं होती है, ये होती है लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। जनसंख्या का दबाव, प्रसन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादित उत्पादकता का कारण नहीं है। सहकारी कृषि नहीं है इसका। भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार रहा है राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीवकोपार्जन का साधन। भारत कृषि के संदर्भ में यही सही कथन है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होते हैं, यानी कि वर्षा पर निर्भर रहती है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई उसर्स में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है डेंचा, सनई बोड़ा और ग्वार जैसी हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, बोड़ा यानी कि लोबिया में। ठीक है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। ठीक है। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना और विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहां? तमिलनाडु तट पर। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्नि राज्य है पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसल पर बल और आय समानता में असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती, ये सभी एक तरह से आपके वैश्वीकरण के प्रभाव पड़े हुए हैं। बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ऐसा होता है, देखिए अभी भी आपकी ग्राम पंचायत में, लेकिन जहाँ एक तरह से आप कितनी ही ऊपर से योजनाएं लाइए किसानों के लिए, लेकिन जब धरती पर वो योजनाएं अच्छे से लागू ना हो तो किसी को फायदा नहीं होता है। तो आपने देखा है राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का कथन सुना भी होगा कि मैं ऊपर से 1 रुपया बेचता हूँ, नीचे तक पहुंचते पहुंचते 10 से 12 पैसे बचता है, बीच का कोई और डकार जाता है। तो खाद भी जाते हैं ग्राम पंचायतों में, लेकिन अधिकतर सरपंच साहब खुद डकार जाते हैं, समझ रहे हैं, या कोई और आपके यहाँ का है तो वो डकार जाता है। तो आप समझिए कहाँ से उद्धार हो पाएगा। एगमार्क है क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मुहर, एक तरह से मुहर लगी रहती है। हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौर में। ठीक है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी एम एस स्वामीनाथन। याद रखिए भारत में इन्हें ही कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, एम एस स्वामीनाथन को। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर भारत के देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा था डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम का, मोटे अनाज दलहन गेहूं तेलहन में से हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। और याद रखिए हमारे देश में हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और चावल पर ही देखा गया था और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित भी रही, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र और पंजाब का कुछ क्षेत्र, यहीं तक बस। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ ये देखेंगे गेहूं में, किसमें? गेहूं में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल थी मैक्सिकन गेहूं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध सही है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन सामाजिक वनगी और मत्स्य पालन के साथ सस्य उत्पादन
का समागम भी करना है। किसका? हरित द्वितीय हरित क्रांति का। और अभी भी आप देखेंगे हमारे यहाँ की खेती अधिकतर किस तरह की देखने को मिलेगी आपको, पारंपरिक, कि पानी वो बो दी उसे देखने की कोई जरूरत नहीं, ना तो बीज की जरूरत है कि बीज कौन सा बो रहे हैं, पुराना बीज रखा वही डाल दिया वो दी, मतलब कोई बदलने की सिस्टम नहीं है, ठीक है, मतलब अपडेट नहीं, किसान पारंपरिक तरीके से जीना पसंद करते हैं, तो उसी का परिणाम भी अब देखते हैं। पंजाब के किसानों को आप देखिए, वहां पर खेती करने वाले भी अपने बच्चों को VIP स्कूलों में पढ़ाते हैं, और एक बुंदेलखंड को देख लीजिए आप लोग, खाने के लिए नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाने की दूर बात है, समझ ना। हरित क्रांति के घटक, उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, कथन एक, कारण आर। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय समानताओं असमानताओं में वृद्धि हुई है, कारण आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल है आपकी इंद्रधनुषीय क्रांति में। सूची एक सूची दो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, उद्यानी कृषि सुनहरी क्रांति। आपसे पूछ लेगा कि इस तरह से पूछेगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक से। तो इस तरह आपको याद रखना है। आपसे अगर पूछे कि गुलाबी क्रांति का संबंधित है किससे? प्याज से, प्याज। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आपके वित्त मंत्री से कहा गया कि प्याज महंगा हो गया, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं प्याज नहीं खाती। कभी कभी हमारे देश के मतलब उच्च पद पर बैठे हुए लोग ऐसे भाषण देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, कि कम से कम मुझे लगता है कि देश, हमारे भारत की जो आत्मा है वो भी एक तरह से शर्मा जाती होगी, भगवान भी शर्मा जाता होगा। अभी कोरोना महामारी में आपने देखा है अर्थव्यवस्था किस तरह से चौपट हुई, उसमें कह दिया कि भगवान की देन है, तो आपने पटी। देखिए आप 21वीं सदी में खड़े हुए, आप किसी पर अपनी गलती डालकर आप निकल नहीं जाएंगे उससे, और ज्यादा फंसते जाएगी। मानता हूं कि कोरोना महामारी की प्रॉब्लम रही है, उससे ज्यादा आप देख रहे हैं कि पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से नीचे गिरती जा रही थी। हाँ, लेकिन इतना कहना चाहिए था आपको कि अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही से खराब थी, और जितने कमी थी देख कोरोना महामारी ने पूरी कर दी, समझ रहे हैं उसमें, तो ये हो सकता था। अब आप सोचिए कि आप निकल जाए और दूसरे पर प्रॉब्लम डाल दें, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे नहीं लगता है, समझ रहे हैं। यही हालत है कि वो हम पेपर दे रहा हूं, फेल हो जाऊं, मैं बोल दूं कि वो उसकी गलती है, किसी की कोई भी बहाना बना लूं अपने माँ बाप से। तो देखिए बहाना मैंने बना लिया, ठीक है निकल गया, लेकिन जिंदगी में इसका परिणाम, इसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, उनके बारे में कहना बहुत बड़ी बात है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले MP में आंदोलन हुआ, बच्चों ने किया, क्योंकि आपने MPPSC का देखा होगा कि बहुत पहले से वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो आपने देखा होगा वहां कुछ लड़कियां थी, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। तो इससे पहले वाले धरने प्रदर्शन में देखा होगा छात्र, देखिए रोजगार मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, और आपका अधिकार है कि मतलब आपको देना चाहिए। तो कुछ दिन पहले आपने एक कोई पुलिस वाला धमका रहा था, मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये तो एक मतलब तानाशाही है कि तुम बच्चों को डरा रहे हो। दूसरी बार आपने देखा है कि लाठी चालू आई, तो ये मतलब मुझे लगता है कि सॉल्यूशन नहीं है। एक तरफ शिवराज सिंह तुम्हारे मुख्यमंत्री रहे हैं, जो या है अभी तो है, अब आगे चल के क्या होगा तुम जिस समय पर देख रहे होंगे, तो वो मामा बने फिरते हैं। और आपको समझना चाहिए कि कोई भी मामा अपने भांजियों या भांजियों पर लाठी कभी नहीं चलवाएगा, तो ये शर्म की बात है मुझे लगता है। या फिर तुम्हारे जो गृह मंत्री रहे हैं या हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो एक भाषण दे रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि आप सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, तो क्या नौकरी आती थी उस समय? नहीं मरते थे, मतलब सोचिए अगर उनका बेटा मरता तब मालूम चलता कि ये बाप पर क्या बीतती है, छात पर, जब छात मरता है उसके घर परिवार पर। एक बेटा अगर नौकरी की तैयारी के लिए निकलता है तो उसके माँ बाप के कितने सपने होते हैं, भाई बहन के छोटे, जब वो नौकरी कर यानी कि तैयारी करता है, उस समय आप उसकी खाने की स्थिति देखिए, खाना मिल रहा है अच्छे से या नहीं,
इतना मतलब क्या क्या भुगतना पड़ता है तब जाके उसे उसकी जिंदगी मिलती है, और आप कह देते हैं कि सुसाइड नहीं कर रहे थे, आपके लिए मतलब उसके जान की कोई परवाह नहीं है। अपने बेटे को उस जगह रख के देखिए आप लोग, आप किसानों के बारे में ऐसे ही कह देते हैं कि किसान वो मर गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम लाठी चलवा देते। कभी अपने किसान की जगह अपने हम मतलब आप सोचिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को उस जगह रख के देखिए, पता चल जाएगा कि क्या होती है खेती किसानी। ये मतलब कुछ भी बोल देते हैं, इंसानियत नाम की कोई मतलब इनमें कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि इनकी तो चलिए यहाँ इनकी पावर है, लेकिन भगवान से दुआ करिए कि इन्हें इन्हें भी वही सजा मिल जाए, ठीक है? क्योंकि ऊपर ऊपर वाले के यहाँ शायद मुझे नहीं लगता है कि पैसा चलता हो। यहाँ तो आप देखिए आपकी तबीयत खराब हो रही, आपके पास हॉस्पिटल के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए सुविधा नहीं है, वहां उनकी हो रही तो वो विदेश जा रहे हैं, ठीक है? तो भगवान तो निपटारा करेगा मुझे लगता है। समय है, अंधकार है, देर है, ठीक है? रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में रबी फसल होती है, सरसों मसूर चना गेहूं। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चर है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गन्ना कपास जूट और गेहूं में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं नहीं है, क्या नहीं है? गेहूं नहीं है, ठीक है? नकदी फसल समूह है गन्ना कपास केला का। तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से सही क्रम है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश में। मही सुगंधा प्रजाति है धान की, इस तरह की ये प्रजातियां भी पूछ लेती हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं आलू गन्ना के उत्पादन में। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, सोनारा A64। गेहूं में बौनापन का जीन है नोरिन 10, नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थितियों के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की, किसकी? गेहूं की, ठीक है? पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। UP 308 एक प्रजाति है गेहूं की है। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट, रस्ट आपका गेहूं फसल का रोग है। कल्याण सोनाई किस्म है गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्म में है अर्जुन और सोनालिका। अर्जुन और सोनालिका आपकी एक तरह से गेहूं की एक किस्म है। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है UPS UPAS 120। सही कथन है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। एक पसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही है। ट्रिटिकेल जिन दो के बीच का संकर क्रॉस है वह है गेहूं और राई के। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की, किसकी? गेहूं की। खरीफ की फसलों की बात करें हम लोग तो धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसल है कपास मूंगफली धान। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप का। मसूर अलसी सरसों सोयाबीन में से खरीफ की फसल है सोयाबीन। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य है चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में यूपी में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसतन उत्पादन वर्ष 2014-15 में था ये 2390 ग्राम, 90 किलोग्राम, ठीक है? याद रखिए जो भी अपडेट होते रहते हैं उन्हें करंट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है? भारत के चावल की कटोरी क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र कहा जाता है चावल की कटोरी। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब राज्य में। जया पद्मा और कृष्णा उन्नत है किस्म किसकी? धान की। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई बुआई और नवंबर दिसंबर में कटाई होती है इसकी, ठीक है? पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। बरानी द्वीप धान की किस्म है। बासमती चावल संकर प्रजाति है PUSA RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोमीटर किलोग्राम प्रति हेक्टर में, ठीक है? आगे है आपका कथन ए। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो ए सही है, आर गलत है आपका, ठीक है?
भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है यह नील हरित शैवाल। कथन ए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। बिल्कुल सही है। कारण आर, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ए गलत है आपका, यानी कि ए कथन सही है परंतु आर गलत है। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है वह है चावल। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन चार राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलती है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है यह है उत्तर प्रदेश। वह फसल जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है, मूंग और उड़द। मूंग और उड़दा। अगर आपसे नगदी फसलों के बारे में पूछता है, कपास। भारत में कपास की अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाले क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिम, पश्चिमी और पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछे तो गुजरात है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है उज्जैन, शाजापुर। महाराष्ट्र में वह फसल जो स्वेद स्वेड के नाम से जाना जाती है कपास। सत्य कथन है, भारत की कपास के पौधों का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। ठीक है, आगे आपका गन्ना क्या है। गन्ना भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है यह उत्तर प्रदेश। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ना। भारत में तीन गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता हुआ क्रम में सही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन के क्रम में सिरा एक उप उत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही है। गन्ना उत्पादन की एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है महत्व क्यों है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें चौवन यानी कि ड्रिप सिंचाई की प्रभावकारी प्रयोग हो सकती है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश भी होती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। चीनी उद्योग से संबंधित सही कथन है, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आप भी तो जानते हैं, आपको भी तो मीठा खाना पसंद होगा। आप बताइए नीचे किसे किसे मीठा खाना पसंद है। देखिए भाई, मुझे तो है शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है आंध्र प्रदेश। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश को। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में। उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण है गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा की का अधिक होना, पराई का अधिक लंबा मौसम। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा सक रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 माह। कितना? 18 माह। आप देखते हैं मेरे यहाँ तो क्या होता है कि गन्ने को एक बार बो देते हैं और लोग तीन तीन बार काटते रहते हैं। मतलब एक बार फसल बो दी उसका तीन बार काटते रहते हैं उसे, समझ रहे हैं? मतलब एक बार वो काट देते हैं फिर उसमें वो आता है बगल से कहीं से निकल आता है एक डंडे टाइप का, तो तीन बार मैंने देखा है कटते हुए। ठीक है, फिर
फिर आपने देखा है गुड़ बनता है उसका, रस मलाई, इस तरह के। तिलहन, तिलहनी फसल है सूर्यमुखी, तिल और अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि। पीलीभीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टर बहुत अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का। किसका? सरसों का। ए आपके नीचे मानचित्र दिया गया है, ए बी डी सी मूंगफली। यहाँ आपको गन्ना देखने को मिलेगा, ए रागी है, और ये आपकी तंबाकू आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा की रागी के लिए, और ए महाराष्ट्र गन्ना, और गुजरात मूंगफली। देखिए बचपन बहुत कुछ करते थे, मतलब आप सोचिए गन्ना चूसना, और आप जानते थे कि मूंगफली को आप जला के एक तरह से होरा बनाना, आप देखते थे चने का होरा बनाना, मूंगफली का होरा बनाना, कितने सारे। लेकिन जब आपसे जिंदगी, आप जिंदगी का ये बचपन अलग बात होती है, समझ रहे हैं? जब आप जिंदगी में आदमी काम में बीत जाए उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है एक तरह से, वो बचपन कुछ और ही रहता है, समझ रहे हैं आप लोग? भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। सरसों की प्रजातियां हैं वरुणा, पोसा बोल्ड और पीताम्बरी आदि। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। कौशल उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। किसकी? मूंगफली की। दलहन, वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है भारत। आप देखेंगे, याद रखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रोटीन हमारे यहाँ अधिकतर लोग क्या करते हैं कि मांस नहीं खाते हैं। कई लोगों को आप देखते हैं कि इस तरह की मतलब बिलीव करते हैं, मतलब सही बात भी है, तो उनके लिए प्रोटीन का स्रोत आप एक तरफ से कह सकते हैं स्रोत दलहन ही होती है, ठीक है, और ये जब यही नहीं खाएंगे तो कहाँ से आएगा, तो इसलिए इसका उपयोग ज्यादा होता है। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है दालों का। भारत में दालों की कमी परंतु प्रोटीन की नहीं, सही है, दालों की मांग की वरीयता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। हम लोग आयात भी करते हैं कई जगह से दाल, समझ रहे हैं? भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक तरह से कंपटीशन चलती रहती है। कभी आप देखते हैं आंध्र वो राजस्थान निकल जाता है, कभी मध्य प्रदेश, तो जिस साल आप जा रहे हो पेपर उस दिन आप लोग देख लिया करिएगा। ऐसे हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। वायुमंडल के नक्तचन स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसलें हैं चना, मटर, मूंग। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात है एनपीके 1:2:2, यानी कि 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान माना जाता है भारत वर्ष में। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा, ठीक है। रेशम, भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, ठीक है, ये प्रकार हो गए ये उत्पादन। सहतूत रेशम कर्नाटक, टसर रेशम झारखंड, इरी रेशम असम, मुगा रेशम असम। मुगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, असम में देखने को मिलेगी। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है झारखंड। क्या है? झारखंड आपका प्यारा राज्य। बागानी फसलें कॉफी कहवा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी 1984 में। कब? 1984 में। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में सत्य कथन है, कॉफी के पौधों को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफी बीजों के द्वारा परिवर्तित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन उत्पादन की जाती है कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य। आप लोग नीचे लिखिए आप किस राज्य से हैं, कम से कम मुझे मालूम तो रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हैं लोग, ठीक है। एक बात और
कुछ दिनों का अगर टाइम मिलता है तो ये मेरी कोशिश है कि पूरे देश का एक चक्कर लगाया जाए, और जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी इस तरह से आपके पॉइंट हैं, जैसे चलिए मध्य प्रदेश का ले लेता हूँ हम लोग, तो जैसे भेड़ाघाट हो गया, और नर्मदा कहाँ से निकलती है, कौन कौन से यहाँ टाइगर रिजर्व हैं, क्या क्या है भोपाल में, क्या है जबलपुर में, क्या है इंदौर में, क्या है, इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं आपके, समझ रहे हैं, कन्या टाइगर रिजर्व या जो भी आपकी इस तरह की जो मंडला है, या जो भी जीवाश्मी उद्यान है, इस तरह के जो भी आपके पॉइंट पूछे जाते हैं, इनका एक पूरा टूर करूंगा, और उसके बारे में पूरे आपके आंकड़े भी बताता जाऊंगा, और साथ में आपको दिखाता जाऊंगा कि ये यहाँ है। ठीक है, तो आप अपने अपने राज्यों का बता सकते हैं कि ऐसा कहाँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी हो गया, आगरा हो गया, इन सब इलाहाबाद का किला हो गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया अंतिम किला था, तो इन सब के बारे में एक तरह से जानकारी भी आप लोगों को हो जाएगी, और याद भी रहेगा आसानी से, पता भी चल जाएगा। देखता हूँ, देखिए टाइम कब मिलता है, टाइम ही का है। भारत में कैबा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। चाय व रबर है। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन में उपभोक्ता में चीन का प्रथम और भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है, अभी भी यही है। भारत में वह नगदी फसल जिसमें अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, चाय से। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। भारत में चाय महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, बिल्कुल सही है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ऐसा नहीं है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग अब चाय पीते हैं, समझ रहे हैं आप, गाँव में भी आप देखते हैं चाय पीने लगे हैं लोग। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और ढलवा पहाड़ी स्थल खेती अवस्थित होती है चाय की, ग्रीन ग्रीन कोल्ड किस्म चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। मुझे लगता है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, स्टूडेंट हैं, और जो हकीकत रहती है पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है चाय आप सबसे ज्यादा पीता होंगे। जब मैं तैयारी करता था और वो लाइब्रेरी में बैठा था, तो मैंने अपनी खुद गिना है, मैंने 10 से 15 कभी कभी चाय हो जाती थी, इतना आदी हो चुका था एक तरह से। रात में अगर 11 बजे भी अगर चाय वाले आ गए तो तुरंत चाय, मतलब इतनी आदत बन चुकी थी कि एक तरह से तलब नहीं लगने लगती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो दारू पीने वालों को नहीं रहता है, आप वैसी ही हालत थी। तो ये देखिए होता है चाय क्या रहता है, ये आप स्टूडेंट हैं, आप बेहतर समझ रहे होंगे, हमारी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम। अन्य बागानी फसलें। भारत का वह राज्य जहाँ कहवा, रबर, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है, कर्नाटक की। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल है चाय, रबर, नारियल, कहवा। सही कथन है, चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में होता है वियतनाम और भारत में, वियतनाम और भारत में। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गर्म मसालों के संवर्धन के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। किससे? पुष्पकली से। लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। सही समझ लेते हैं, बस आपको याद रखना है। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, केरल गन्ना उत्तर प्रदेश। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं। ऊष्मा और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढलाने, और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिषद। भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च एवं कोयला। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक होता है गुजरात में। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र में। झूमिंग खेती, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। झूमिंग खेती का मतलब सीधा सा होता है कि एक जगह आपने खेती की जंगल काट को, वहां जैसे ही अनुपजाऊ होती है वह जमीन, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति, इसे ही आप लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक अव्यवहार है नागालैंड में। चलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह राज्य है असम और झारखंड। कृषि विविध, केरल टैपियोका,
राज्यों के और उत्पादन, गुजरात कपास, पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। ये फसल हो गई। उत्पादक बेहद उत्पादक राज्य हो गए आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला तमिलनाडु, तंबाकू आंध्र प्रदेश। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। भारत में खाद्यान्नों का उसके उत्पादन मिलियन टन में कसी रासमान क्रम है। चावल गेहूं मोटे अनाज दालें। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश यूपी। भारत का वह राज्य जो कपास मूंगफली और नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात। क्या है? गुजरात। दांडी मार्च समझ रहे हैं, गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, यही की बात है। सूची कृषि उत्पादन और अग्रणी राज्य चना मध्य प्रदेश, काली मिर्च केरल, अनानास पश्चिम बंगाल। ये फसलें हो गई। फसल नाशक जी चावल गुंडी मतकुट गेहूं एपेट गन्ना शीश परोह बेधक सलभ चना गोलक सलभ। फसल का नाम हो गया, बीमारी का नाम हो गया। गन्ना रेड राट, धान खैरा, अरहर ओक्टा बिल, आलू झुलसा लेट ब्लाइट। हरिद्वार रोग पाया जाता है बाजरे में, इसमें बाजरे में। गन्ना चकुंदर स्वीट पी चना अरहर फरास बीन आदि आते हैं त्रिपादक कुल के अंतर्गत। 2015-16 में भारत में कुल उत्पादन उत्पादक हुआ खाद्यान्न का 251.57 मिलियन टन। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप बदलते रहते हैं, ठीक है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। दूसरा भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुख के केंद्र थे पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसलें हुए हैं धान और जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। मक्का के लिए सही कथन है मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। मक्का की फसल पकने की अवधि 110 दिन है। C4 पौधा है मक्का है। भारत में तीन शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक मध्य प्रदेश बिहार। शक्तिमान एक और शक्तिमान दो अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। एक बात और आपको बताऊं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई पेपर कठिन होता है या किसी एग्जाम को दे पाना मुश्किल है आपके लिए, सब आसान है। लेकिन आपको कुछ सामान्य जानकारी पता नहीं होती हो, कई लोग तैयारी करने लगते हैं उन्हें यही मालूम नहीं रहता। एक आप लोग स्थायी आंकड़े पकड़ना सीख जाइए और अस्थायी, क्योंकि स्थायी हमेशा स्थायी रहेंगे। और उनके बारे में आप देखिए, गांधी जी की जयंती के बारे में ले लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी पैदा 2 अक्टूबर 1869 को हुए थे तो ये डेट बदल जाएगी, ये कभी नहीं बदलेगी। लेकिन हाँ, इनकी जयंती मनाने का क्रम बदलता रहेगा। कि पूछ लेगा आपसे कि इनकी इस जयंती पर क्या हुआ है, तो ये हमेशा बदलती रहेगी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना होगा, करेंट से जुड़ा रहना। दूसरा, किस तरह से क्वेश्चंस पकड़े जाते हैं, आप 1000 बुक्स पढ़ लीजिए। जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। और अधिकतर लोग तो क्या करते हैं कि सिलेबस ही देखते हैं और पेपर देने लग जाते हैं। वही है कि जब तक है दम तब तक हम देंगे पेपर, मतलब फॉर्म भरते रहेंगे। एक दो बार अगर आप लटक रहे हैं, आप फेल भी हो रहे हैं, तो कम से कम अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि आप कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे सही रणनीति किसी के पास नहीं रहती है। अधिकतर लोग इसी कारण फेल होते हैं, जो अपनी रणनीति बना के चलते हैं वो पास हो जाते हैं। तो आप लोग रणनीति बनाइए तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, वरना पंचवर्षीय योजना और छठवीं योजना लगी रहेगी। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। फसलें हो गई। भौगोलिक परिस्थितियां हो गई। जौ ठंडी जलवायु और अपेक्षा की कम उपजाऊ मृदा। चावल तप्त और नम जलवायु उपजाऊ मृदा। मिलेट ज्वार बाजरा आदि तप्त और शुष्क जलवायु और अल्प उपजाऊ मृदा। चाय गर्म और नरम जलवायु उच्च तुंगता। सूची एक सूची दो। कपास वर्षा इसके लिए 500 से 1000 मिलीमीटर और तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। फ्लैक्स वर्षा 600 से 800 मिलीमीटर तापमान 5 से 18 डिग्री सेल्सियस। चुकंदर वर्षा 500 से 600 मिलीमीटर तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस। पटसन ए वर्षा 1500 से 2000 मिलीमीटर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेल्सियस।
वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करने करके की जाती है, प्याज। पहले आप देखते हैं कि इसका बीज बो दिया जाता है एक जगह, उसके बाद इस तरह से पत्ते डाल दिए जाते हैं ऊपर, और उसके बाद बीज उगे आता है, उसके बाद इन्हें अलग अलग स्थानों पर लगाया जाता है, इसकी पौध बिकती है। ठीक है, आप किसान हैं तो मुझे लगता है बेहतर समझ रहे होंगे। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, धान मक्का गेहूं। भागीरथी घाटी का राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है विल्सन को। विल्सन को एक कॉफी बोर्ड आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा, रबर बोर्ड कोट्टायम में देखने को मिलेगा, चाय बोर्ड कोलकाता में, और तंबाकू बोर्ड गोंटू। याद रखिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछना था मुझे कि तंबाकू के जो भी प्रोडक्ट रहते हैं आप देखते हैं उन पर चेतावनी दी रहती है, एक तस्वीर बनी रहती है, और लिखा है कि साफ साफ शब्दों में कि इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग क्यों पीते हैं, ये बताइए, आप लोग खुद बताना है, आपको सोचिए अपने अपने हिसाब से, बस एक मर्यादित भाषा आपको चुननी है। देखिए, किसी अनपढ़ की तरह आपको जवाब नहीं देना है कभी भी, एक सामने वाला क्या कर रहा है उसे इसको छोड़िए, क्योंकि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, आप लोग एक मर्यादा में रह कर कुछ जवाब देना पड़ चाहिए, मुझे यही लगता है, पर आपकी मर्जी, जो भी आप करना चाहें, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे ही अगर उल्टा सीधा जवाब मिलने लगे तो मुझे लगता है देश का ये दुर्भाग्य होगा। सब्जी उत्पादन का स्थान है द्वितीय भारत का, विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। आप देख रहे हैं अधिकतर मामले में चीन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हम लोग रहते हैं, जनसंख्या के मामले में ले लीजिए चीन पहले और भारत दूसरे। आम की बीज रहित प्रजाति सिंध है। आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं दशहरी 51, बेंगलौरा, तोतापरी और नीलम आम्रपाली आदि। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। केले की अधिकतम उत्पादन उत्पादन होता है तमिलनाडु में। बौरलोक पुरस्कार दिया जाता है कृषि के विज्ञान के लिए। याद रखिए, बौरलोक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कोफरी चिप्सोना सेकंड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेती कर जमीन में बढ़ोतरी, उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। ये फसलें हैं केवल चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा, चारा की फसलें। वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं, मोटे अनाज और चावल। अदरक का तना जो मिट्टी से में उगता है, खाद्य संग्रहण करता है, कहलाता है पिकंद। अनाजों की दानों का उत्पादन ऑट मील है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जा रहा है वह है जापान। प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है मूंगफली, तिल, बाजरा। वह फसल जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में उपयुक्त होती है लोबिया, अरहर, मूंग। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विधि किस्मों की खेती हो सकती है, और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है, यह है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया सिक्किम। ये आपका एमपीपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन शायद पूछ लिया गया, और आपका कई क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखिए, देश का प्रथम रूप पूर्ण रूप से जैविक राज्य खेती करने वाला राज्य सिक्किम। गुजरात राज्य की विशेषताएं, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन, उसके राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नगदी फसलों की खेती अधिक होती। भारत में ग्वार, क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में सही है, इसके बीजों से निर्मित गौण सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस कारण भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग विकसित हैं। ये गलत है आपका, ये कथन सही है और गलत है। कारण, भारत में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। PBW 343, DBW 17 प्रजातियां हैं किसकी? गेहूं की। किसकी? गेहूं की। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट। याद रखिए, खैरा बीमारी आपकी धान में होती है। भारत में आम का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। आप देखेंगे जब इलाहाबाद से आप लोग कानपुर के रास्ते जाएंगे, लखनऊ
लखनऊ और कानपुर तरफ, तो आप देखेंगे कि रास्ते में आपको टाइम जब आम आते हैं पकता, तो आपको रोड पर देखेंगे ताजे ताजे फल, समझ रहे हैं? कभी जाया करिएगा तो लेते जाया करिएगा, मस्त लगते हैं ताजे ताजे, बिल्कुल आपको पेड़ के टूटे हुए। उस तरफ इस तरह की खेती अधिक होती है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15%, लगभग कितना? 15%। अब पशुपालन की बात कर लेते हैं। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का बिजनेस से संबंधित है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है बिहार में। भारत की लगभग एक तिहाई गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी और पश्चिम बंगाल। सही कथन है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, भारत में तमिलनाडु गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। आप लोगों को मुझे लगता है कि पता है, जिंदगी में जो भी काम करना चाहिए पूरी उससे करना चाहिए, ऐसी क्षमता के साथ। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप पूरी क्षमता लगा दीजिए। देखिए, रिजल्ट मिलना या ना मिलना ये अलग बात होती है, यानी कि सफल होना असफल होना ये अलग बात है, लेकिन अगर आप 100% उस काम में नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बाद में पछतावा रहेगा और आपके दिमाग में आएगा काश ऐसा कर लेते किसी से। मैं तो कहता हूँ जो भी कोई भी काम एक्स वाई जेड, किसी से रिश्ते बनाने की बात हो, अपने तरफ से 100% दीजिए धन रख के, और कोई भी काम कर रहे हैं आप लोग। पशुपालन की बात कर रहा था मैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो पशुपालन करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं कहीं बैंक में खड़ा हुआ था किसी काम से, वहाँ ऐसी तरह के लोन की बात हो रही थी गाय पालन भैंस पालन की, तो एक महिला बैठी हुई थी, मतलब थोड़ी बोली, भैया मैं भी, मेरे बच्चे करते हैं और बोले भैंस पालन करवाते हैं, बोले मेरी जिंदगी देखिए कभी, मैं BIP मतलब अच्छी भली जिंदगी है हम लोगों की, बोले कि बेटा वो करना नहीं चाहते हैं कोई, वरना मेहनत हर थोड़ी मेहनत है लेकिन उसमें आय भयंकर है। और मैं ऐसे कई और लोगों को जानता हूँ जो मतलब अच्छा भला पैसा कमा रहे हैं इनसे, तो लेकिन हम क्या कर सोचते हैं कि पशु पालेंगे, मुर्गी पालन करवाएंगे, भेड़ पालन करवाएंगे, सुअर पालन करवाएंगे, इससे हमारी इज्जत से लगा लेते हैं। तो जब आपके पास रोजगार नहीं होगा, कमा नहीं रहे होंगे, तो घर वाले ही भी विज्जत करके निकालेंगे, तो इससे अच्छा है पैसा आने लगता है, सब बंद हो जाते हैं सबके मुंह, ठीक है? वो कहा जाता है ना कि इनकी औकात कुछ नहीं है, धरती वाले सब क्या देखते हैं, तुम्हारी पैसे से तुम्हारी औकात, वो बस डरना है किसी से तो ऊपर वाले से डर रही है, ठीक है? भारत में सर्वाधिक दुग्ध दूध देने वाली बकरी का नाम है जमुनापरी। थारपरकर प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है साहीवाल। विश्व में दूध दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फिलड का संबंध है दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? करनाल में, ठीक है? खनिज देख लेते हैं, संसाधन शैल तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ क्षेत्र तंत्र। विंध्य शैलों में बेहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर के। भारत के खनिज संसाधनों में किए सबसे अधिक बड़े भंडार हैं दक्षिण पूर्व में। खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता है कर्नाटक में। ये धात्विक खनिज हो गए लोहे अयस्क। भारत के भूमिकीय शैलों क्रम में लोहे अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है? आगे है आपका कुद्देमुख क्षेत्र संबंधित है लोहे अयस्क से। वह भारतीय राज्य जहां लोहे अयस्क उपलब्ध नहीं है पंजाब में। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज है लोहे अयस्क। बेला डीला खान संबंधित है लोहे अयस्क से। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बेला डीला खान। जस्ता के बारे में बात करें तो एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। चांदी, भारत में प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक। तांबा, मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है मलाजखंड, बालाघाट जिले में, काफी चर्चित रहता है। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान।
भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादक उड़ीसा, ये तांबा के क्षेत्र हो गए, राज्य हो गए। चंद्रपुर ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, हासन कर्नाटक, खम्मम ये तेलंगाना, खेतड़ी राजस्थान। बॉक्साइट की अगर पूछे तो बॉक्साइट एस है एलुमिनियम का। भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा और गुजरात, उड़ीसा गुजरात। भारत में टिन एस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़ में। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। धात्विक खनिज अभ्रक, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले जिले हैं हजारीबाग, गया, मुंगेर। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है चीन, ठीक है। संगमरमर, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकरान में। संगमरमर एक है कायंती चट्टाने एवं पुनर रवि के चूना पत्थर, ठीक है। ऊर्जा खनिज की बात करें तो कोयला, भारत के शैल तंत्रों में कोयला निचयों डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारतीय कोयले का अभिलक्षण है उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। भारत की शैल समूह में से गोंडवाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है। इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति में संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा कोकारी कोयला से में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयला की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 20%, 20%। वह राज्य जिसमें नाम कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सूची हो गई, सूची दो कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयला खदानें दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिंगरेनी, महानदी घाटी, तलचर। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। कितना? 80%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है झरिया, रानीगंज। झारखंड में कोयला की खान स्थित है झरिया में। कथन ए, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। बिल्कुल सही है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वोत्तम उत्पादक है। ये आर गलत है आपका, ए कथन आपका बिल्कुल सही है लेकिन कारण आर गलत है, ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कथन ए कारण आर, कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला खनन के लिए। विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कोयला खनन के लिए। एक कोयला क्षेत्र हो गए आपके और सूची दो में राज्य हो गए। करणपुरा झारखंड में देखने को मिलेगा, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, नेवली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोयले के बेहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी 2014 से जब से नई गवर्नमेंट आई हुई है वो नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि आप देखिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह ध्यान दे रही है इसकी तरफ। क्योंकि देखिए एक समय के बाद कोयला खत्म हो जाएगा, कच्चा तेल भी खत्म हो जाएगा, तो उस समय के लिए भी तो ऊर्जा होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा ऐसी है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, कि जब तक मानव रहेगा तब तक वो भी रहेगी, या कह सकते हैं कि जब तक वो है तब तक मानव है। पानी की बात ऐसे ही कर लीजिए, जब तक पानी है तब तक मानव है, समझ गए? तब तक उसे जोड़कर एक तरह से आप कह सकते कर सकते हैं। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं, निम्न कोटि का कोयला, कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयला की आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार संचालन कीमतें। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। किसमें? ऊर्जा उत्पादन में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की बात करें तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार तेल शोधन इकाई अवस्थित है डिगबोई, असम में। लेकिन आपको बता दूं कि कच्चा तेल हम लोग
सबसे ज्यादा हम लोग आयात करते हैं, हमारे पास इतने भंडार नहीं है कि हम पूरी तरह से सक्षम हों, ठीक है। तो कच्चे माल, कच्चे तेल या कच्चे इस तरह की गैस का हम लोग कहीं कहीं आप देखते हैं कि 70 से 75% भी हम लोग आयात करते हैं, अपनी कुल एक तरह से मतलब यूज होता है जितना। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडारण के लिए। लोनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकूम में, कहा माकूम में। आंध्र प्रदेश अवस्थित तेल परिशोधना शोधनशाला है विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र। पानागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है पवन चक्कियों तथा रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। पवन ऊर्जा आप देखते हैं, देखेंगे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ 1970 और 1980 के दौरान, ठीक है। आगे सूची एक, सूची दो, ये तेल शोधनशाला हो गए राज्य हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर गुजरात में, कुची ये आप केरल, नुमालीगढ़ असम में देखने को मिलेगा। सूची एक, सूची दो, तेल शोधक कारखाना हो गए राज्य हो गए तातीपाका आंध्र प्रदेश, कुआली गुजरात, बरौनी बिहार। सूची एक, सूची दो, तेल शोधनशालाएं राज्य नून माटी असम, मंगलोर कर्नाटक, पानीपत हरियाणा, ठीक है। ये तेल शोधनशाला होगी स्थापित बीना मध्य प्रदेश में, ये बीपीसीएल द्वारा स्थापित की गई है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में, ONGC द्वारा डिगबोई असम में, ये OIOCL द्वारा कुआली गुजरात में, IOCL द्वारा इसे भी स्थापित किया गया है। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या स्थित है बाड़मेर सांचौर बेसन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। 14 NEMP ब्लॉक्स, AJV ब्लॉक्स और 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CBM ब्लॉक संबंधित हैं आपके पेट्रोलियम अन्वेषण से, किसे पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के उत्पाद के भंडार से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दलहनी बेसिन से, बिल्कुल सही है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई क्षेत्र से। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है 160 किलोमीटर। KGD 6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में है, ये भारी मात्रा में भंडार है या गैस का किसका इसीलिए प्रसिद्ध है। भारत के वह क्षेत्र जिसमें गैस सेल गैस का संसाधन पाए जाते हैं केम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन सभी क्षेत्रों में, ठीक है। कोयला लकड़ी डीजल पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है लकड़ी, ये विविध खनिज से संबंधित। गौड़वाना संस्तरों में पाया जाता है कोयला नीचे। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा को, ठीक है। तांबा गार्नेट तांबड़ा मैगनीज मैगनीज पाइराइट में से कायंती चट्टानों में से समृद्ध करेंगे गार्नेट यानी कि तांबड़ा को। क्वार्टजाइट कायंतित होता है बलुआ पत्थर से। इंडियन मिनरल बुक 2015 के अनुसार 2014-15 में भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश MP। 2014-15 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर रहे हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा, पहले मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र उड़ीसा फिर, ठीक है। एक खनिज हो गए शीर्ष उत्पादक राज्य लोएस्ट उड़ीसा, तांबा राजस्थान प्रथम मध्य प्रदेश, ठीक है, तांबे में प्रथम मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, सोना कर्नाटक, अब आंध्र प्रदेश। ये भी सूची सही, सूची दो है। खनिज तेल गुजरात प्रथम राजस्थान, जिप्सम राजस्थान, बॉक्साइट उड़ीसा। हेमेटाइट बॉक्साइट जिप्सम और लेमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है, जिप्सम नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है राजस्थान। वह उत्पादन जो चोरू बीकानेर श्री गंगा नगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, गुणवत्ता गुणात्मक संवर्धन वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है जिप्सम खनिज। और ये आपके प्राप्ति के प्रारूप हो गए प्ररूपी क्षेत्र कोयला करनपुरा स्वर्ण हट्टी अभ्य नेल्लोर
और मैं ली भंडारा। ठीक है, ये सूची एक हो गई और सूची दो हो गई आपकी। ठीक, केंदोगे और खनिज, मकुम कोयला, डल्ली राजहरा, लोहेस्ट कोरापुट बॉक्साइट, चित्तदुर्ग मैग्नीज। ठीक है, ये भी सूची है, सूची दो। क्षेत्र और खनिज, बादाम पहाड़, लोएस्क, कोडरमा, अभय, मोसाबानी, एतावा और अवा, खनिज तेल पेट्रोलियम। सूची एक, सूची दो। लोएस्क क्षेत्र हो गया, राज्य हो गया, बादाम पहाड़ उड़ीसा, ढल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्देमुख कर्नाटक, नुआमुंडी झारखंड। सही सम्मेलन है राखा और तामा, राखा तामा, अमरकंटक बॉक्साइट, अंकलेश्वर खनिज तेल, क्या है खनिज तेल के लिए, और खेतड़ी तांबे के लिए, खेतड़ी तांबे के लिए। ठीक है, सूची एक सूची दो। खनिज पदार्थ, खनन क्षेत्र, ग्रेफाइट, रामपा, सीसा, जावर, लवण, टिड़वाना, चांदी, बेलतारी। ठीक है, तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम है, खेतड़ी कोलार कुद्देमुख झारिया। ठीक है, स्वर्ण कोलार लोहा कुद्देमुख, लोहेस्ट क्योंझर, कोयला कोरबा। ठीक है, आगे है आपका वह राज्य जिसका प्रोमाइड उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा देखने को मिलेगा। ठीक है, खनिज हो गए और क्षेत्र हो गए, जिप्सम जामसर, क्या है जामसर है। ठीक है, और आपसे अगर पूछे कि तांबा खोदरीबा, रॉक फॉस्फेट, झावर कोट कोटडा। ठीक है, उसके बाद सीसा जस्ता, रामपुरा अगुचा, ये भी आपका सही सम्मिलित है, सही सम्मिलन है। बेलाडीला छत्तीसगढ़, कमानगुंडी कर्नाटक, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक कमानगुंडी, सिंहभूम, ये आपको सिंहभूम देखने को मिलेगा कर्नाटक। कभी कभी क्या होता है यार, माउस पड़ता नहीं क्यों, प्रॉब्लम करने लगता है। मयूरभंज उड़ीसा। ठीक है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ चुकी है लैपटॉप में। चलिए अभी आपका काम चल रहा है, फिर देखता हूँ। हीरा पन्ना, लोएस्क बस्तर दुर्ग, बॉक्साइड सरगुजा मंडला, सतना बालाघाट बिलासपुर, कोयला सीधी सरगुजा बिलासपुर, रायगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा बैतूल। ठीक है, एक कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, एक तांबा खेतरी गैस प्लांट, ओरेया एल्यूमिनियम कोरबा, पेट्रोलियम कोची, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश है ललितपुर में। ठीक है, और भारत में हीरे की खानी अवस्थित है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पन्ना हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। वह जिला जिसमें हीरा युक्त कैम्बरलाइट के बेहद भंडार पाए जाते हैं, रामपुर है। सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातु है एंडलोसाइट पायराइट डोलोमाइट। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं, वह पदार्थ एल्मिनाइट जिरकोन और सेलमिनाइट। केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला खनिज है मोनोजाइट। कौन सा है? मोनोजाइट। ठीक है, केरल की मोनोजाइट बलुका में पाई जाती है, यूरेनियम, ये यूरेनियम केंद्र हो गया आपके, और ये राज्य हो गए। ठीक है, दुमाईसान मेघालय, लंबासार आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान, गोगी कर्नाटक, गोगी कर्नाटक है। ठीक है, जादू घोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए है? ये यूरेनियम के लिए आपका प्रसिद्ध है, जादू घोड़ा ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं कौन कौन से? बॉक्साइड, डोलोमाइट, लोएस और टेन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज, ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खनिज हो गए और ये स्थान हो गए। कोयला की पूछे तो गिरिडीह, तांबा अलवर, मैग्नीज धारवाड़, भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट के नाम से जानते हैं, ये जैन कोंडम में। ठीक है,
खनिज चेत हो गए और खनिज हो गए। गुरु महिषानी लोहे अयस्क के लिए, तलचर कोयला के लिए, जादू गौड़ा यूरेनियम के लिए, जावर सीसा के लिए। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात राज्य में। ये विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा की बात करते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, सावरगिरी ये जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी कि एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, उसे आप लोग बहुउद्देशीय कह देते हैं। सोची एक सूची दो। उकाई गुजरात में, पत्रातू ये झारखंड, पैंच मध्य प्रदेश, दाभोल महाराष्ट्र। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला से होती है। अभी भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय, फिर जल, फिर वायु, पवन और फिर देखें आणविक ऊर्जा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। कहाँ? फरक्का में। ये आपकी नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण है तृतीय कोयला लिग्नाइट से। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी ये रूस है। क्या है? रूस है। ये सूची एक सूची दो। बिजली घर हो गया राज्य। कोठागोदम ये आंध्र प्रदेश में, वर्तमान तेलंगाना में। याद रखिए उस समय आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना दिया गया है। रायचूर कर्नाटक, मैटूर तमिलनाडु, बनकावरी गुजरात में। ये भी आपके सही सुमेलन है। बदरपुर दिल्ली में, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, पारस महाराष्ट्र। सूची एक सूची दो। राज्यों में स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान हो गया गुजरात द्वितीय नंबर पर, महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर, उत्तर प्रदेश तृतीय नंबर पर, पश्चिम बंगाल चतुर्थ नंबर पर। अगर आपसे पूछे कि बोकारो तापीय बिजली घर स्थित है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। याद रखना चाहिए झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया राज्य है। ठीक है। परियोजना और कंपनी। जोधपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। ये आपका एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील के द्वारा लगाई गई। जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात में, इस्सार पावर। और नवीनगर में बिजली संयंत्र बिहार में, भारतीय रेलवे के द्वारा। कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल में, राष्ट्रीय ताप और विद्युत निगम में। नाभिकीय ऊर्जा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी तारापुर में। 2016 तक भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था 3.38%। नवंबर 2017 के आंकड़ों के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 2.1 है। कितना? 2.1 है। ये बदलता रहता है, इसके लिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। कौन सा? थोरियम। सूची एक सूची दो। नाभिकीय शक्ति केंद्र हो गए राज्य, हो गए कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापुर गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। ये आणविक संयंत्र और चालू होने का वर्ष है कोटा 1973, काकरापार 1993, कैगा सन 2000 में, कलपक्कम 1984 1984 में। ठीक है। एक कथन ए है और कारण आर। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशा वृद्ध स्रोत अणु ऊर्जा है। बिल्कुल सही है। भारत में अणु खनिज सर्वसुलभ है। ये गलत है आपका। यानी कि कहने का मतलब ए सही है और कारण आर गलत है, लेकिन मैं बोलता हूँ ए गलत है। तो मेरा कहने का मतलब यही होता है, जो हम पढ़ रहे हैं ए गलत है। ठीक है, या सही है, तो थोड़ा भ्रमित मत हुआ करिएगा। सूची एक सूची दो। परमाणु विद्युत संयंत्र या गुरुजल संयंत्र और ये राज्य थाल महाराष्ट्र में, मानगुरु तेलंगाना, कैगा कर्नाटक, मुप्पादल ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयां लाने हेतु राजी हुआ था कौन? रूस। रूस। ठीक है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है राउतभाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटक में। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित किए गए हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल आदि में। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा यूएस एक के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। किसका? एनटीपीसी और भारतीय ऊर्जा निगम का।
अगर जल विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूं तो कोयला जल विद्युत ग्रह अवस्थित है आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। राणा प्रताप सागर पर विद्युत ग्रह स्थापित है कोटा में, राजस्थान में, ठीक है। आगे आपका ऊर्जा से संबंधित कुछ और पॉइंट, ऊष्मा विद्युत संयंत्र पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और नाभिकीय विद्युत संपन्न में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है, ये पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान क्यों रखता है? तमिलनाडु में आप देखेंगे सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा देखने को मिलेगी आपको, पवन द्वारा ऊर्जा उत्पादन होती है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में सही कथन है, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 14% से अधिक है, बिल्कुल सही है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में सिर्फ पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, ये आपको तमिलनाडु में वर्तमान सुजलाल ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1000 यानी कि 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए पहले पर तमिलनाडु में जो थी ये सबसे बड़ी, लेकिन अभी आपने देखा है गुजरात में जो बनाई जा रही ये सबसे बड़ी है, ठीक है। इसकी क्षमता आप देखेंगे 1100 मेगावाट देखेंगे, ठीक है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी, भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना है भावनगर गुजरात में, MMTC और MTNL, NCL, NHPC में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित कंपनी कौन सी है? NHPC। भारत का वह राज्य जो बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आप देखेंगे गुजरात। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत है, ये देखिए पुराने आंकड़े हैं, ठीक है, देख लीजिए, फिर भी 423.5 किलोग्राम तेल यानी कि 17731 मेगा जूल के बराबर। अभी जो नई आपकी घटना ई दृष्टि की आएगी ना पूरे वर्ष 2020 के लिए, 2019 की पूरी कवर करवा दी थी और 2020 की अगर आती है तो मैं मार्केट देखता हूँ, अगर मिल जाएगी तो उसका भी कर देंगे व्यवस्था बहुत जल्दी, ठीक है। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट बनाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है उत्तर प्रदेश यूपी में। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं का उत्पादन को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का क्रय विक्रय सॉरी विक्रय प्रसारण और संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में, एक गर्म जल स्रोत हो गए अवस्थिति हो गई मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्त पानी उड़ीसा में। पेट्रोलियम परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक गैस और बायोमास में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है तो ये बायोगैस नहीं है, कौन सा? बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा। देखिए नवीकृत ऊर्जा का मतलब होता है कि इससे कम प्रदूषण फैलता है और लंबे समय तक ये चलती रहती है साथ में, ठीक है। 2014 से जब से आपकी नई गवर्नमेंट आई है ये कुछ इसी पर आपका ज्यादा जोर दे रही है। उद्योगों की बात करें हम लोग तो लोह इस्पात उद्योग स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु लोहा क्रोमियम और निकेल की है। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। भारत में कतिपय लोहे इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग की ऐसी अवस्थितीय स्थितांतरण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लोहे अयस्क निक्षेपों का मिलना और इस क्षेत्र के से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा है कोकिंग कोयला की। टेस्को BSL भद्रावती, HSL दुर्गापुर, HSL भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, ये आपकी BSL भद्रावती को। टिस्को संयंत्र स्थित है टाटा नगर की नजदीक। राहुल की राजस्थान संयंत्र स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। कई बार इनके बारे में पूछ लेता है कि भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग कितने किसकी मदद से लगाया या राउर केला, तो याद रखिए जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है रूस और भारत सरकार का। चाय, जूट, लोहे एवं इस्पात तथा चीनी उद्योग में से वायु उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है लोहे एवं इस्पात उद्योग। भिलाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र के लोहे को लोहे अयस्क की आपूर्ति होती है केवंझर से।
भारत में इस्पात कारखाने का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय की योजना के समय, ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किए गए कारखाने हैं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ये उष्ण स्रोत हो गए, भारत के राज्य हुए। लासुंद्रा ये आपको गुजरात में, आवलोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहेना हरियाणा, ये भी आपके केंद्र हो गए। और ऊर्जा पत्तातू, ये पत्रातू आपको तापीय ऊर्जा है। और झाकरी ये जल विद्युत, कल्पक्कम नाभिकीय, कोरबा तापीय। एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का मत है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। टेलको कंपनी संबंधित है ऑटोमोबाइल से, किससे? ऑटोमोबाइल से। एक कंपनी हो गई, अवस्थिति हो गई। बालको कोरबा में, हिंडालको पीपरी रेणुपुर, नालको भुवनेश्वर, HCL खेतरी, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड, नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट। सूची एक, सूची दो, ये एल्यूमिनियम संयंत्र हो गए और राज्य हो गए। अलूपुरम, अलूपुरम ये केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम ये कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़। उद्योगों से संबंधित कुछ और पॉइंट है आपके, एक केंद्र हो गए उद्योग, काकीनाडा जूट, विरुधुनगर वो सूती वस्त्र के लिए, चन्ना पटना रेशम, भदोही कालीन के लिए। ये भी आपके कुछ दिए गए, सूची एक सूची दो। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में, मशीन औजार पिंजौर में, एल्यूमिनियम रेनिकोट, उर्वरक सेंद्री। याद रखिए, अब देखिए आप लोग इसमें सिविल सर्विस में या स्टेट PCS में क्वेश्चंस बनेगा कि ये आपके क्रम बदल दिए जाएंगे और आपसे कह दिया जाएगा कि इन्हें सही सम्मिलित करना है। नीचे चार ऑप्शन दे देगा आपको, और अगर वनडे एग्जाम की बात करूं तो डायरेक्ट पूछ लेगा भारतीय भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है, रांची पिंजौर रेणुकूट सेंदरी, तो इनमें से आपको सेंदरी में बताना है। तो इस तरह से आप एक तरह से क्वेश्चन जान लीजिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके कम से कम 6 से 7 साल की तो क्वेश्चन पेपर देख ही लीजिए। ठीक है, कम से कम अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के सिलेबस क्वेश्चन पेपर आप लोग नहीं देते हैं देखते हैं तो ये मुझे नहीं लगता है बेहतर रणनीति है आपकी। ठीक है, वही है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है ऐसे पढ़ने का। सही कथन है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलोर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। नारवाब वाफाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। बिल्कुल सही है ये सभी। ठीक है, सूची एक सूची दो, हस्तशिल्प केंद्र हो गए और राज्य हो गए, मौन नागालैंड, नलवाड़ी असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, तुरा ये मेघालय। सूची एक सूची दो, जिसके लिए जाने जाते हैं चर्चा का विषय, काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र के लिए, डुंडीगल भारतीय वायुसेना अकादमी, मंडगांव स्काई वस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए, भद्रा चलम ITC कागज बोर्ड इकाई के लिए। एक केंद्र हो गए आपके उद्योग, आंवला उर्वरक के लिए, मोदीनगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र का। ठीक है, आप एक समय सुनते थे कि हमारे यहाँ के जो वस्त्र हुआ करते थे तो उन्हें अंग्रेज, मतलब आप सोचिए कि कई भी विदेशी के जो मैन मैन घराने हुए हुआ करते थे, राजा महाराजा वो पहना करते थे, इतनी मांग हुआ करती थी। इसीलिए तो आप देखते हैं मसाले और कपड़ों की लालच में तो आए थे व्यापारी बनकर अंग्रेज, उसके बाद उन्हें लगा कि यहाँ राज करना आसान है तो उन्होंने यहाँ राज करना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए क्या है कि अभी आप जापान में जाएंगे तो आप एक नाम सुनते हैं जापानी, लेकिन हम इंडियन में क्या है आप सुनते हैं हिंदू मुस्लिम, ये जात का उस जात का, और यही सबसे ज्यादा एक तरह से भारत को नुकसान पहुंचाता है। अब अमेरिकी में आप लोग क्या कह देते हैं, अमेरिकी है वो, समझ रहे, जापानी है, रशियन है, चाइनीज है, मतलब आपको हावी नहीं देखेगा वहां की कोई धर्म ऊपर है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जापान के कोई प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रमुख का भाषण सुन रहा था, उनने ये कहा था कि मेरे देश, मतलब आप सोचिए परमाणु बम 2 बार गिराया गया 1945 में, उसके बाद भी विकसित देशों की सूची में जुड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, अभी देखते हैं आप लोग, अभी भी वहां इफेक्ट देखा जाता है प्रभाव, तो आप समझिए परमाणु बम से निकलना झील का कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो वहां एक तो सबसे बड़ा कहा गया मानव संसाधन पूंजी बेहतर है और दूसरा मानव में लगन है, जो भी व्यक्ति है वहां लगन है।
अपने लिए काम कर रहे हैं अगर 10 घंटे, तो 1 घंटे अब देश के लिए काम कर देते हैं। और हमारे यहाँ देखिए, अगर आप उन पर छोड़ दिया जाए तो चौपट कर देंगे। जरी के बटुए भोपाल प्रसिद्ध है इसके लिए, भैरवगढ़ की प्रिंट उज्जैन, बाकी हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट, धार, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर, बनारस की साड़ियाँ भी तो प्रसिद्ध हैं आपके यहाँ। मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। इंडियन मिनरल बुक 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। कौन सा? दूसरा। जिप्सम चूना पत्थर राख मटीपार में से सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग प्रसिद्ध है भोपाल इसके लिए। ठीक है, ये सूची हो गई आपकी। और स्थान विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरी एल्यूमिनियम के लिए सीमेंट। गुड़गांव गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक के लिए। उद्योग केंद्र सीमेंट पोरबंदर, पेट्रोल रसायन नागथेन, लोहा इस्पात राउरकेला। भारत में पंजीम बंगलोर, पुडुचेरी और औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में से रबर उद्योग स्थित है, पंजीम में देखने को मिलेगा। पीपी उत्तर प्रदेश में उद्योग है जल विद्युत। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सूची एक, सूची दो। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए। हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रोल रसायन के लिए। फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 1974। ठीक है, सही सुन लेते हैं। अमलाई मध्य प्रदेश, बतलारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कागज मिले स्थित हैं गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, कथन ए कारण आर। कथन ए, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, और परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। ये भी सही है, कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कि ए आर दोनों आपके सही है। 1818 में ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में पहला आपका सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था 1818 में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। ये आपके उद्योग हुए, केंद्र हो गए। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक, पेट्रोल रसायन जवाहर नगर गुजरात, उर्वरक तलचर उड़ीसा, औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड, ये भी सुन लेते हैं आपके। सूची एक, सूची दो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, इंस्ट्रूमेंटेशन ये लिमिटेड कोटा देखने को मिलेगा। स्थल हो गए और राज्य हो गए, कोयली ये गुजरात में, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु ये स्थान और राज्य, मुरी झारखंड, अलवाय केरल, धर्मापुरी तमिलनाडु, कोयली गुजरात ये औद्योगिक इकाइयां हो गई आपकी, केंद्र हो गए। एटलस साइकिल कंपनी की लिमिटेड कहाँ है? सोनीपत में इसका केंद्र। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कालोल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। डायमंड पार्क है, ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरों और सिंथेटिक जवाहरात आभूषण के निर्माण और निर्यात के को प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, सूची एक, सूची दो। प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए कार्यचित बीवी राव, एक कुक्कुट पालन से संबंधित है, और सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान, जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था, किरण कार्निक ये सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर। पंजाब में उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। कौन सा? लुधियाना। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ताप शक्ति। क्या? ताप शक्ति। ठीक है, पानी के पर पूरी तरह से निर्भर है बहुत। सूची एक, सूची दो। ये उद्योग हो गए, स्थान हो गए, कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहे इस्पात बेलाई, खनिज तेल शोधन अम्बाला मुकुल। ये उद्योग हो गए केंद्र, एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मलाजखंड, जस्ता टुंडू, और जूट भाटपाड़ा। सूची एक, सूची दो। उद्योग और अवस्थित इनकी, उर्वरक श्रीगंगानगर, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेसा कोटा।
देश में पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। कहाँ? जामनगर में। सूची एक, सूची दो, केंद्र हो गया, उद्योग हो गए, काकीनाडा जूट के लिए, विरोध नगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए, भदोही कारपेट के लिए। पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है, चंदेरी कांचीपुरम। ठीक है, बनारसी जरी और साड़ियां राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू में से। भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है बनारसी जरी और साड़ियां तिरुपति लड्डू को। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है तमिलनाडु में। भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है आपका पीतमपुर। अगर भारत के अनुसंधान केंद्रों की हम लोग बात करें तो 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? समुद्री जैव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करना। ठीक है, अंटार्कटिका के में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है भारती, दूसरा मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। तो पहले को आप लोग दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे को मैत्री के नाम से, तीसरे को आप लोग भारती के नाम से, इन्हें पॉइंट से याद रखना। इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स ट्रॉपिक्स स्थित हैदराबाद में। ICRISAT स्थित हैदराबाद में। इसका शॉर्ट नाम भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है शॉर्ट में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान आपको CRIDA आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। ठीक है, मैसूर में। ये आपकी सूची एक और सूची दो। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में देखने को मिलेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में। ठीक है, सस्य वनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? झांसी में। कहाँ? बुंदेलखंड झांसी में, उत्तर प्रदेश का शहर जिला है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले वाले औजारों मशीनों पर शोध किया शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में, एमपी में। एमपी की राजधानी है ना भोपाल। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। कहाँ? बनारस में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब हमारे यहाँ से चुने गए हैं, लोकसभा सदस्य यहीं से हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आनंद में। क्या? आनंद में। सूची एक, सूची दो। संस्था स्थान राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कामटी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। ठीक है, आगे है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। सूची एक, सूची दो। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। और वनिकी सस्य वनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता में देखने को मिलेगा। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित है नई दिल्ली मैसूरू भोपाल और भुवनेश्वर में। सूची एक, सूची दो। ए, संस्थान हो गए, स्थान हो गए। CSSRI एक करनाल में देखने को मिलेगा। CTCRI त्रिवेंद्रम में देखने को मिलेगा। IRRI ए मनीला में। RI ये जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? जोधपुर में। पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय अवस्थित है फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। फसलों की परियोजना निदेशालय वो स्थान जहाँ स्थित है DRR हैदराबाद में। DWR करनाल। DMR नई दिल्ली। DPR कानपुर में। DPR कानपुर में। ये सूची हो गई आपकी और अवस्थिति हो गई इनकी, ये संस्थान यानी कि स्थिति।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ANCOF कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। ये परिवहन से संबंधित देख लेते हैं, सड़क परिवहन। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 80%। कितना है? 80%। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की उनकी संख्या लंबाई है तकरीबन क्रमशः 250 से अधिक और 1,87 से किलोमीटर। ठीक है, ये बढ़ता रहता है। देखिए अब जैसे तरक्की करता रहता है जैसे ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो 250 यानी कि 280 प्लस भी हो चुके हैं और ये भी रोड किलोमीटर में इसकी लंबाई भी बढ़ती रहती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित से होकर जाता है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु से। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। जब आपका वर्ल्ड मैप्स कवर किया था तो उसमें बताया था कि देखिए ये जा रहा है पूरा मैप्स का सहारा लेकर, तो उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। मानचित्र के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से। भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। कहां? झांसी में। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम है आगरा ग्वालियर नागपुर कृष्णागिरी आगरा ग्वालियर नागपुर कृष्णागिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा समृद्ध किया गया है मुंबई और पुणे को। आगरा भोपाल धुले और ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो भोपाल नहीं जुड़ा हुआ है, आगरा धुले ग्वालियर ये जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना उन गांवों में सामुदायिक जीवन का विकास हेतु जो सड़क से भली भांति समृद्ध यानी कि नहीं जुड़े हुए उन्हें जोड़ना है इसका। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है पंजाब तमिलनाडु पर महाराष्ट्र हरियाणा। सही कथन है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 के नाम से जानते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है NH3 आगरा ग्वालियर देवास मुंबई। ये याद रखिए MP का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3। ठीक है, और भारत का पूछे तो NH7 NH44 के नाम से भी इसे जान रहे हैं आजकल आप लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन है यह दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई आप 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर। ये भी कई बार आ जाता है जोड़ने के लिए, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रे से। रेल परिवहन की बात करूं तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, ये बात है 1853 की। आप देखेंगे पहली रेल लाइन बनी थी मुंबई से थाड़ी के बीच चली थी 1853 में। बड़ी लाइनों लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फिट। ठीक है, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के मध्य। अब समझिए आप लोग कि अभी इतना मतलब यही जो ट्रेन है यही तो व्यवस्थित तरीके से चल नहीं पा रही है, बुलेट ट्रेन चलने की बात हो रही है। देखिए मुझे लगता है आप लोगों का पता नहीं, आप लोग भी अपना व्यू नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हम निजीकरण लायक हमारा भारत है नहीं है। अब आप सोचिए कि हॉस्पिटलों का निजीकरण कर दिया जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी महंगी हो जाएगी, और आप जानते हैं कि आधे से अधिक लोग गरीबी में जी रहे हैं, वो अफोर्ड मतलब इतनी क्रय नहीं कर पाएंगे इतनी महंगी सुविधा, समझ रहे हैं हम लोग। आज भी आप देखते हैं कि सरकारी बस चलती है और प्राइवेट, उत्तर प्रदेश वाले बेहतर जानते होंगे उत्तर प्रदेश में चलती है, उसमें देखेंगे सरकारी बस का यूज अधिकतर लोग करते हैं क्योंकि प्राइवेट बस में आप देखेंगे महंगाई रहती है। ठीक है, तो हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है,
रेलवे जोन मुख्यालय उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। 18 जोन हो चुके हैं आपके, ठीक है। अभी सत्यकथन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का को प्रयोग करने वाली गाड़ी है, और भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन और विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। ये नीचे दिए गए आपके पॉइंट हैं कुछ। दिल्ली से चलें तो दो पर्यटक, जिसमें से एक तो कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन जहां तक भी साथ चल सकते हैं, तो उसे मानचित्र में दर्शाया गया हुआ है यहां तक, ठीक है, यानी कि बाला बाला तौर। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, देख रहे। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण क्या है? रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी समृद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेल का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए पर्याप्त इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं है, जितनी कि निजी कारों, बसों और दोपहिया वाहनों के लाभ का उठाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी चलिए मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में आ जाता है, मेन स्टेशन तक कोई सामान आ जाता है, लेकिन आपको ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना है तो आपको सड़क मार्ग का ही उपयोग करना होगा। वहां तक आप देखेंगे रेलवे सुविधा नहीं है, ठीक है। सूची एक और सूची दो। रेल कोच फैक्ट्री एक कपूरथला में देखने को मिलेगी, व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलोर में, डीजल लोकोमोटिव बॉक्स वाराणसी में, एंटी ग्रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में। कहाँ? पेरम्बूर में। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ? मडुवाडी में, वह राज्य जहां यात्री रेल डब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब और तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है रेलवे स्लीवर बनाने में। गुजरात के कच्ची रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 दिखाया गया है। चार जंक्शन कौन कौन से हैं ये आप देखेंगे, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़, ठीक है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। वह रेलखंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है, रेवाड़ी रोहतक खंड पर। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को। कोंकण रेलवे में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। याद रखिए प्राइवेट ट्रेनें चलाना ठीक है, अच्छी बात है। इसमें याद रखिए वो लोग सफर कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। और ये भी देखा जाएगा कि आप भी तो देखते हैं प्राइवेट बस में, आप देखते हैं कि सही टाइम पर पहुंचा देती है, लेकिन आप सरकारी बसों का और सरकारी ट्रेनों का आप देखेंगे हाल कितना रहता है कि पता नहीं कब से कब पहुंचेंगे। 3 घंटे का रास्ता आप 13 घंटे में कभी कभी कवर करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है। और जो प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें आपको अगर टाइम ज़्यादा लगता है, लेट होती हैं, तो उसका भी आपको एक तरह से भुगतान मिलेगा। तो ये वैसे अच्छी बात है, लेकिन हम लोग अभी वो उस स्थिति में पहुंचे नहीं है, ठीक है। सबके पास सुविधा हो जाए उसके बाद इस तरह की बात हो सकती है। बेलगांव, मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी में से कोंकण रेलवे नहीं है जोड़ता है बेलगांव को। वह दो रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है ये सिक्किम। अब तो यहाँ भी देखी जा रही है, सिक्किम में भी बिछने लगी है, ठीक है। रेल सुरंगों के लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है पीरपंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बर्देवाली। नौ परिवहन की बात करूँ, अगर वायु परिवहन की, तो मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तटों में से कोची बंदरगाह संबंधित है मालाबार तट से। किससे? मालाबार तट से। सत्य कथन है, नौ परिवहन मत्स्य ग्रहण में ज्वारभाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वारभाटे बड़े जलयानों और को बंदरगाहों में सुरक्षित प्रवेश करने का या निकालने योग्य बनाता है। ज्वारभाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, और कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है, ये सही है सभी। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपगार्ड है कोची, कोचीन में। भारत में मुख्य ज्वारीय पतन है कोलकाता और कांडला में।
कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट पर। भारत का सबसे गहन बंदरगाह है पतन है विशाखापट्टनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता और विशाखापट्टनम का। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। मरमुगाओ पतन स्थित है गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौवहन पर बहन है कांडला पतन से। भारत में किंतिम पतन है चेन्नई और तूतीकोरिन। ये आपका ABCD में से चिन्ह चिन्ह बनाए गए यानी कि बंदरगाहों के नाम को दर्शाता है। ए आपका माहे, बी एक कराईकल, सी पुडुचेरी और यमन, ठीक है डी। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों से नदी तटीय बंदरगाह है कोलकाता, ठीक है। पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वह है कांडला। वह स्थान जहां पर तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी में। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई है 167 किलोमीटर 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। सूची एक सूची दो कांडला गुजरात न्यहावा सेवा महाराष्ट्र पारादीप उड़ीसा तूतीकोरिन तमिलनाडु। सूची एक सूची दो समुद्री बंदरगाह राज्य अलेप्पी केरल में एन्नोर तमिलनाडु पारादीप उड़ीसा काकीनाडा आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य होगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है मुंबई में। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है पश्चिम बंगाल। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कुट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है केरल तटीय नहर जलमार्ग। ये सस्ता भी पड़ेगा अगर इस तरह की सुविधा हो जाए नदियों के द्वारा। राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला भैरवा प्रमुख बंदरगाह विस्तृत हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नौर में। जामनगर ओखा पोरबंदर और वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है जामनगर। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। भारत में बाह्य पतन की विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। ये शिपगार्ड हो गए राज्य हो गए गार्डन रिच पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान शिपगार्ड आंध्र प्रदेश। मझगांव जॉक डॉक्स ये महाराष्ट्र। कोचीन शिपगार्ड केरल। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमान पतन है कोचीन विमान पतन। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। दमन जंजीरा कराईकल और रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कराईकल बंदरगाह पश्चिमी तट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दमन मिलेगा जंजीरा मिलेगा और रत्नागिरी मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड में स्थित है अलंग गुजरात के भावनगर में। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पतन का निर्माण किया गया है वह है नेहावा सेवा। वह राज्य जिसमें लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक अंतिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है राजस्थान में। सही सम्मिलित है मोरमू गांव गोवा में पारादीप उड़ीसा मंगलोर कर्नाटक मुद्रा एक गुजरात मुद्रा गुजरात। पर्यटक स्थल भी देख लेते हैं। ये पर्यटक स्थल हो गए और ये राज्य हो गए इनके। चकराता उत्तराखंड हपलांग असम कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल कुफरी हिमाचल प्रदेश। कुफरी हिमाचल प्रदेश में। सूची एक सूची दो राज्यों के और पर्यटक केंद्र। जम्मू कश्मीर में आपको गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। कसौली हिमाचल प्रदेश में। उड़वाड़ा उड़वाड़ा ये आपको गुजरात में। पॉइंट केलिमल तमिलनाडु में। सूची और सूची दो हिमाचल प्रदेश किलांग आपको हिमाचल प्रदेश में। ओली उत्तराखंड चिकमंगलूर ये कर्नाटक ऊटी तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ तमिलनाडु में। भारत में गुलाबी नगर कैसे कहते हैं जयपुर शहर को। भारत में झीलों का नगर कैसे कहते हैं उदयपुर को। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है बेलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है अतुल भारत। याद रखिए हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है एक तरह से योगदान देती है। याद रखिए कई क्षेत्रों में नौकरी भी देते हैं कई लोगों को।
ठीक है, आप सोचिए, आप आगरा घूमने जा रहे हैं या आप सोचिए कहीं भी आप जा रहे हैं घूमने, तो वहां आप जाएंगे रुकेंगे, वहां गाइड जो भी करेगा आपको उसे भी आप पैसे देंगे, वहां जो टैक्सी ई रिक्शे वाले होंगे, इस तरह से सुविधा पूरी जुड़ी रहेगी। लॉकडाउन में आपने देखा है स्थिति कितनी बुरी हो चुकी थी, तो ये देखने को आपको मिलता है। सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में, यहाँ तक क्या था कि यहाँ महिलाओं को जाने के लिए रोक थी, तो आपने देखा है कि आपके न्यायालय ने फिर निर्णय दिया और अब महिलाओं को भी अनुमति मिल गई है। भारत के ध्वस्त नगरों घोस्ट टाउन में है कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर, ये तीर्थ स्थल है अवस्थिति। श्रीशैलम, नलमला पहाड़िया, ओंकारेश्वर, मंदाता पहाड़, पुष्कर, अरावली, कुछ और पॉइंट है इन्हें भी देख लेते हैं। वह संयंत्र जो जो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है, भारत। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से, ये समय समय पर आपको देखने को मिलता है। स्थान हो गया राज्य श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तुम्बा केरल में, भाभाएटो में एक रिसर्च सेंटर मुंबई में, पोखरण राजस्थान में, परमाणु परीक्षण हुआ था ना, ये पोखरण वही है। आपका है सूची एक, सूची दो, नगर और विशेषताएं, अलीबाग, अवकाश सदन, बालापुर, सेल रासायनिक संकुल, नयाबा सेवा, बंदरगाह, रत्नागिरी, मत्स्यन केंद्र। थुम्मा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है थुम्मा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना, इसलिए यहाँ है। दी हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में, कहाँ है, दार्जिलिंग में। ये सही सम्मेलन है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में, ये रामेश्वरम हो गए तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में एमपी में, चिपरा नदी के किनारे है उज्जैन, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, वेबर्न स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, ईडेन गार्डन गार्डन से कोलकाता में, भूमिगत रेलवे कलकत्ता, आम रत्नागिरी, ताली अलीगढ़ के, ताली के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर, अलीगढ़, चावल, देहरादून, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी के अवस्थित है कोलकाता में, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का, हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण, भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 1850 में, भारत में टेलीग्राफ सेवा का सर्वप्रथम शुरू हुई थी एक कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य। ठीक है, तो ये थी आपकी भारत का भूगोल, इसका भारत का भूगोल। एक सब्जेक्ट और बचता है आपका इतिहास, ठीक है, बाकी विज्ञान आपका कवर हो चुका है पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थिति भी कवर हो चुका है, अर्थव्यवस्था भी, संविधान भी, भूगोल भी, अब बचता है आपका इतिहास। चलिए उसे भी हम लोग कुछ टाइम में, जब भी टाइम मिलता है उसे भी हम लोग लगे हाथों तो काम खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना आपके लिए काफी है, जब भी रिवीजन के लिए आपका एक प्लेलिस्ट सूची अलग से ही बना दी गई है, जब भी आप जा पेपर के टाइम आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खत्म भी कर सकते हैं इसे पढ़कर। ठीक है, रिवीजन के लिए रखिए इसे अपने पास।